लगा। चलो भाई, तो बात चल रही थी काहे की, भारत और पड़ोसी की। चलिए, कहाँ थे? बांग्लादेश में थे। चलिए निपटाते हैं पड़ोसियों को, क्योंकि ये पड़ोसी थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ये ख़त्म होगा तब छोटे छोटे टॉपिक ख़त्म होंगे, क्योंकि इससे पहले हुए 4 टॉपिक तुम्हारे पहले वाले बैच में। आज 5वां टॉपिक वहाँ शुरू करें हमने। हाँ, पहला टॉपिक उनका वही भारत पहला जाओ दिवस, दूसरा भारत पड़ोसी, तीसरा मानवाधिकार, और चौथा टॉपिक पढ़ाया उनको आतंकवाद, नक्सलवाद, और आज अभी शुरू कर दिया था कौन सा, अनुसंधान वाला। तो अनुसंधान शोध आविष्कार वाला टॉपिक वहाँ पर शुरू हो गया। भारत और पड़ोसी टाइम लेगा, उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक आएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? मानवाधिकार भी थोड़ा टाइम लेता है, फिर उसके बाद आतंकवाद है, या मान लो जैसे हमने कहा अनुसंधान शोध वाला है, ये छोटा है, पर्यावरण वाला टॉपिक छोटा है, बात समझ नहीं। ये सब छोटे छोटे टॉपिक होंगे, जो बड़े टॉपिक हों थोड़ा समय लेंगे। और एक बार तुम्हारा क्लियर हो गया तो फिर उसकी कोई दिक्कत है नहीं, तुम भी उसी तरह फास्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत हो ना। क्लियर हो गया? चलिए, फिलहाल तो बात कर रहे थे भारत और पड़ोसियों पर, और भारत और पड़ोसियों में हमने आपको पाकिस्तान को निपटा दिया है, ठीक, पाकिस्तान निपटा दिया, चीन निपटा दिया है, और बांग्लादेश को निपटा रहे थे हम लोग। और कल हम लोगों ने बात कर ली थी कहाँ तक, न्यू मूर द्वीप तक, अर्थात विवाद सारे हमने क्या कर दिए थे, निपटा दिए थे कल। तो विवाद हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है, अब हम लोग जो समझना है वो समझना है संवाद वाला पॉइंट, ठीक, कौन कौन से समझौते हम लोगों ने इनके बीच से किए हुए हैं, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगला जो है पोर्शन जो पड़ेगा, पहले तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो चेक पोस्ट हैं, पहले उसे क्लियर करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन से चेक पोस्ट हैं, पहले इसे क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य के चेक पोस्ट देखते हैं। चलिए ज़रा चेक पोस्ट देखते हैं। तो हेडिंग डाल दो भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या भाई, चेक पोस्ट। जैसे कि आप लोगों ने पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में चेक पोस्ट पड़ा था, वो कौन सा था? तो वहाँ पर हमने बाघा बॉर्डर, अटारी, अमृतसर, पंजाब बताया था आपको, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी दो फेमस चेक पोस्ट हैं, है ना, एक है पेट्रोपॉल और एक है बोनोपॉल और एक है अखौरा। तो दो चेक पोस्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, और उसमें से सबसे पहले हम बात करें तो जो है, हाँ, तो बात करेंगे पेट्रोपॉल तथा बोनोपॉल पर। तो पेट्रोपॉल इसी के साथ लिखा होता है बोनोपॉल, या जो है या लिखा होता है पेट्रोपॉल या बोनोपॉल, दोनों शब्द यूज करेगा। तो पेट्रोपॉल और बोनोपॉल ये जो है कहाँ पड़ेगा, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। आसान है याद करना, कैसे आसान है, क्योंकि पास से पेट्रो है और पास से ही पश्चिम है, तो पेट्रोपॉल जैसे आए तो पास से पश्चिम में पहुँच जाना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो पेट्रोपॉल बोनोपॉल बराबर कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में पहुँच जाओगे। फिर उसके बाद अगला है अखौरा, कौन है अखौरा, अखौरा चेक पोस्ट भी पूछेगा कहाँ पर है भाई। तो अखौरा नाम से ही लग रहा है कि त्रिपुरा जाएगा, अखौरा और त्रिपुरा, तो अखौरा है तो त्रिपुरा है, तो इसको याद कर सकते हैं अखौरा बराबर त्रिपुरा। वैसे भी त्रिपुरा जो है तीन तरफ से घिरा हुआ है, किससे, बांग्लादेश से घिरा है, तो सिंपल सी बात है उसके पास ही ज़्यादा मामला बनेगा। तो अखौरा बोले तो त्रिपुरा बता सकते हैं, अखौरा और त्रिपुरा, क्लियर हो गया। तो अखौरा त्रिपुरा आप याद कर सकते हैं, दोनों चेक पोस्ट हैं। चेक पोस्ट का मतलब आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर क्या किया जाएगा, आवागमन होगा, और आवागमन के दौरान यहाँ पर चेक होगा कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा जा रहा है, इस तरह की चीज़, तो इन्हीं को चेक पोस्ट बोलते हैं। तो ये तुम्हारे जो है भारत और जो है बांग्लादेश के मध्य के कौन है, चेक पोस्ट हैं। अगला, तो भारत बांग्लादेश के चेक पोस्ट हो गए, भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाने वाली ट्रेन है। जैसे पाकिस्तान से हम लोगों ने कितनी ट्रेन चलाते हैं, हम लोग दो चलाते हैं, तो यहाँ कितनी चलाते हैं, तीन ट्रेन चलाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, किसके किस देश से हम लोग कितनी ट्रेनें चला रहे हैं, तो चलिए जरा इनसे ट्रेन चलाइए। तो अगला लिखिएगा सीधे सीधे क्या भाई, भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन, तो क्या देखना है, ट्रेन देखना है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य ट्रेन, हम 50 लाख पढ़ चुके हैं, होगा अखबार में पूरा छाया हुआ है, हाँ, कि 50 लाख फार्म पड़े, और सबसे ज़्यादा कंपटीशन लड़कियों में है, लड़कों में कंपटीशन कम है, क्योंकि लड़कियों में एक सीट पर 125 और लड़कों में एक सीट पर 83 लगभग, क्योंकि भाई 12,000 सीट पे 15 लाख लड़कियां हैं, और 48,000 सीट पे 35 लाख, भाई 50 से 15 माइनस कर लो, तो 48,000 सीट पे कितने, 35 लाख,
तो भाई सीधी सी बात है जो है उनको ज्यादा बेनिफिट है, किनको? लड़कों को, वहां कंपटीशन कम है, लड़कियों में कंपटीशन ना इंसाफी हो गई बिल्कुल। तुम लोग 20% आरक्षण लेने के बाद ही पिछड़ गई तुम लोग तो हैं। चलो कोई बात नहीं, परेशान ना हो, ये केवल फॉर्म तुम लोग काउंटिंग कराने के लिए है, समझ में आई बात? कंपटीशन बेटा तुम्हारी लोगों के ज्यादा है, ये समझ में आई बात भाई? उसमें दूसरा तरह सोचो, दूसरा एंगल देखो कि लड़कियों के फॉर्म ज्यादा गए हैं लेकिन लड़कियां पढ़ कहाँ रही हैं, उनको सुविधाएं कितनी है पढ़ने की? जो शहर के इर्द गिर्द हैं वही तो पढ़ पा रही हूँ कोचिंगों में, जो गांव देहात रूरल फार्म सेपरेट आ रहे, फार्म उन्होंने भी डाला जो 20 और 21 में प्रमोटेड हैं, हाई स्कूल इंटर उन्होंने भी फार्म डाले हैं, तो उनको लगता है कि तुम जो प्रमोटेड होंगे इधर आके कुछ कर पाएंगे? तो गांव में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी जिसने फार्म ना डाले हों, लेकिन पढ़ कितनी रही, ये भी सोचने वाली बात है। अब समझाई बात? तो पढ़ने के मामले में लड़कियों का देख तो ज्यादा रहा है लेकिन कंपटीशन कम है, क्योंकि पढ़ने वाले उसमें कम है, फार्म वाले ज्यादा हैं। लड़कों में क्या है कि भले ही उनके दिख रहे हैं कम लेकिन उन्हें पढ़ने वाले ज्यादा हैं, कि भाई लड़कों को अवसर मिल जाता ना, वो कहीं दूर दूर जाकर अपना पढ़ लेते, नहीं घर नहीं गाँव में पढ़ पा रहे हैं तो कहीं शहर की तरफ निकल गए, वहां जाकर पढ़ लिया, जहां जहां कोचिंग सेंटर है वहां जाकर उन्होंने पढ़ा, तो कंपटीशन लड़कों में तो बढ़ जाएगा, लड़कियों में रहेगा कम। बात समझ के नहीं आई? लेकिन आप लोगों को इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ोगे नहीं। हाँ, तो ये दोनों स्थितियां हमने बता दी, दोनों भयावह स्थिति हैं, कंपटीशन तगड़ा है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ, पेपर का लेवल भी इस बार आपको बता दें अच्छा खासा आएगा, जो केवल सोच रहा होगा कि हम नॉर्मल पढ़ के जाएं और कर ही आएं, उनके बस की बात नहीं, हो सकता कि रीजनिंग है इसी दर्द देगी तुम केवल गिर पड़ो। हाँ बता दे, पहले हल्के में ना लेना कि मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, उसमें भी वो तुम्हें धर सकता है, कि कई बार पिछले पेपरों में ऐसा हुआ है कि रीजनिंग के बेस पे जाने वाले मुंह के बल गिरे हैं। और जीएस का तो फिर जानते ही हो फिर तुम लोग, जीएस तो थोड़ा सा हल्का भी इधर उधर पूछ देगा तो तुम मुंह के बल गिर पड़ोगे, है ना? तो जीएस का तो मामला ऐसे ही टफ रहता है, उसमें बातें नहीं कर सकते हो, थोड़ा बहुत भी इधर उधर किया तो तुम्हारे लिए परेशानी के सबब। तो कंपटीशन टफ रहेगा और पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहेगा, अब देखिए आगे क्या होता है। अब एक पाली वाला सिस्टम तो हमें नहीं समझ में आ पा रहा कि करा पाएंगे, ठीक, एक पाली मुश्किल है, संभव ही नहीं है ना। हाँ, तो एक पाली तो बहुत ही मुश्किल दिख रहा है, करा लें, कम से कम दो से चार पाली जाएगी इसमें, कम से कम चार पाली, तो दो दिन तो कम से कम जाएगा एग्जाम, जो लग रहा है रेशियो देख के जो भीड़ है उस हिसाब से, भाई 15-20 लाख भीड़ नहीं है कि अपने जो एक ही दिन में एग्जाम करा लो। अभी पीटी बताया था, पीटी में कितने फॉर्म भरे थे, 20-22 लाख थे, तो तुमने चार शिफ्ट में कराए, यही तो था, चार शिफ्ट दो दिन हुए थे, आइए तो उसके जस्ट हाँ दुगुने पाए, वो 22 है ये 44 है ना, हाँ तो ज़्यादा दुगुने से भी ज़्यादा है, तो कैसे करा लोगे भाई? सिंपल सी बात है, ठीक। और पीटी भी ऑफलाइन ही हुई थी, ये भी ऑफलाइन होनी है, तो समाना तो यहाँ पर कम दिख रहा है कि कम से कम दो तो जाएगा जाएगा, दो शिफ्ट या हो सकता है दो दिन और दो जो है चार शिफ्ट, दो इस तरह से पेपर होगा। नॉर्मलाइजेशन का मामला फंसेगा फिर, जैसे ही शिफ्ट बदलेगा वैसे नॉर्मलाइजेशन वाला होगा, तो एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिएगा, जितना निगेटिव ना होने का मतलब ये नहीं होता कि जितना मन करे उतना कट डालो, निगेटिव ना होने का मतलब ये कभी भी होता है एक्यूरेसी मेंटेन होना चाहिए, गलत कम होने चाहिए सही ज़्यादा होना चाहिए, तब तो वहाँ बाद में नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगा। क्लियर हो गया सबको? तो चलिए, तो तैयारी उसी के अकॉर्डिंग लेके चलिए, फिलहाल आगे देखा जाएगा जैसा भी सूचना आएगी। फिलहाल अखौरा की बात करते हैं, तो अखौरा और पेट्रोपालों के ट्रेन चला रहे थे हम लोग, किसके किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। चलिए पहली ट्रेन चलाते हैं, पहली ट्रेन का नाम क्या नाम है? तो मैत्री एक्सप्रेस चलेगी, तो पहली ट्रेन है मैत्री एक्सप्रेस। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत और जो है बांग्लादेश के बीच की जो पहली ट्रेन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। सबसे पहला क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि मैत्री एक्सप्रेस का समय क्या है, बताइए। तो मैत्री एक्सप्रेस का समय क्या होता होगा भाई? तो मैत्री एक्सप्रेस जो है 2008 में शुरू हो गई थी, क्लियर बात, अभी भी चली रही है। पूछा जाएगा कि किन स्थानों के बीच में चलती है, अर्थात स्टेशन या स्थान दोनों शब्द यूज कर सकता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि स्टेशन बताइए या स्थान बताइए, तो स्टेशन या स्थान कौन सा बताओगे? तो इसका जो स्थान है वो चलेगी कोलकाता से, और कहाँ जाएगी भाई? ढाका। तो कोलकाता से चलेगी और ढाका तक जाएगी कौन? मैत्री। अब दो चीजें तो तुम लोगों ने मैत्री समझ ली, किससे? बांग्लादेश से ही भाई, एक मैत्री पुल बताया था कल, तो मैत्री पुल भी भारत और बांग्लादेश फेनी नदी पर ही है, और मैत्री एक्सप्रेस भी भारत और बांग्लादेश के बीच है। मैत्री बस सेवा कहाँ चलती है?
भारत और नेपाल के बीच में चलती है, वो भी अभी पढ़ना है लिखना आप लोगों को कि भारत और नेपाल के बीच में चलाई जाने वाली बस सेवा कौन सी है, तो उसका भी नाम मैत्री बस सेवा है। और मैत्री बस सेवा जो है तीन जगहों से चलती है, एक तो अपना दिल्ली से चलती है, दिल्ली से काठमांडू जाती है, एक अयोध्या से चलती है, अयोध्या से जनकपुरी जाती है, एक बनारस से चलती है, बनारस से पोखरा तक जाती है। ये भी तुमसे एक बार क्वेश्चन आ गया था कि अयोध्या से मैत्री बस सेवा नेपाल के किस शहर को जोड़ती है, ये क्वेश्चन आया था, तो किसको जोड़ती है, जनकपुरी को। तो अभी इसको भी समझाएंगे, तो अभी आगे चलेंगे, तो मैत्री बस सेवा, मैत्री युद्धाभ्यास, सारे मैत्री एक साथ लिखाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद, है ना। पहले इनको समझ लेते हैं फिर सारे मैत्री एक साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले बात आएगी कि मैत्री एक्सप्रेस समय कब आई, 2008, और स्थान कहाँ से, कोलकाता टू ढाका, पहले इतना याद करेंगे। फिर इसके बाद से दूसरी ट्रेन आ जाती है भाई, ये पहली थी, फिर दूसरी, दूसरी कौन है, बंधन है, बंधन, बंधन एक्सप्रेस आ जाएगी। और ये जो बंधन है ये कब शुरू होती है भाई, तो 2017 में बंधन शुरू हुई। बंधन का स्टेशन पूछ सकता है कहाँ से कहाँ तक, तो बंधन का स्टेशन शुरू होगा कहाँ से, कोलकाता से, और कहाँ तक जाएगी, खुलना तक, तो कोलकाता से खुलना तक। कैसे याद करोगे भैया, कोलकाता से खुलना, ऊपर तो राजधानी है, मित्रता हमेशा राजधानी से राजधानी में होती है, तो मित्रता कोलकाता से लेके ढाका तक, वो उसकी राजधानी, वो पश्चिम बंगाल की राजधानी, तो मित्रता तो हो गई किससे, कोलकाता से ढाका की, तो मित्रता होती राजधानी से राजधानी की भाई, सामान्य जो लोग होते हैं उन्हीं से आपस में मित्रता होती। लेकिन अब बात आएगी कि बंधन कोलकाता से तो शुरू हुई लेकिन ढाका तक नहीं गई, कहाँ गई, कैसे याद करोगे, समझाई कुछ बात, आंसर छिपो है, हाँ बंधन को आज नहीं तो कल, कुछ समझाई बात, यही तुम्हें याद रखना कि बंधन आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, तो खुलना, तो बंधन कोलकाता से शुरू तो हुई लेकिन आगे जाके क्या हो गई, बांग्लादेश में खुल गई, तो क्या हो गया, खुलना, तो इसको याद करना, कोलकाता से खुलना तक। क्लियर हो गया सबको, ठीक, दोनों ट्रेनें क्लियर हो गई, कहाँ, यहाँ पे मेन है कहाँ से कहाँ तक ये चलती हैं, किन शहरों को जोड़ती हैं, यही मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, जब भी आएगा तो इसी तरह से आएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन इसी में है, ठीक। अब मान लो हम तुमसे पूछ दें कि ये बताओ कि जो है अगली ट्रेन जो है उसका नाम है मिताली, क्या नाम है उसका, मिताली, तो अगली मिताली है, मिताली एक्सप्रेस, मिताली कब आई, देखिए संचालन इसका 2021 में हुआ था लेकिन फिर कोरोना के कारण इसे क्या किया गया, रोका गया, फिर इसका जो है जुलाई 2022 में इसका संचालन हो गया। तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, पहले संचालन 2021, पुनर्संचालन 2022, दोनों तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक। तो समय 2021, पुनर्प्रारंभ बता देना क्या 2022, दोनों में लिख लेना, लेकिन जैसे पूछेगा तो, हालांकि समय तो पूछेगा नहीं, जो पूछेगा वो ये पूछेगा क्या स्टेशन, तो स्टेशन पूछेगा तुमसे, कौन कौन से स्टेशन है भाई, तो ये शुरू होती है न्यू जलपाईगुड़ी, तो न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी किधर है, जलपाईगुड़ी किधर है, ये जलपाईगुड़ी किधर है, हाँ पास नहीं, जगह बताओ, ये पास वास तो बहुत है, कहाँ है जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी, लास्ट स्टेशन है, तो देख लो उधर लास्ट स्टेशन कौन दिख रहा है, किस राज्य का लास्ट स्टेशन सिक्किम में दिख रहा है, अरे सिक्किम से कई राज्य जुड़ता है नलायक, वो है पश्चिम बंगाल, पता नहीं कहाँ देख रहे हो, है सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिससे एक ही राज्य सीमा शेयर करता है, उसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल है। मेघालय एक ऐसा राज्य जिससे एक ही राज्य सीमा शेयर करता है जिसका नाम असम है, पता नहीं कहा देखा करते तुम लोग मानचित्र में, कौन सा ऐसा राज्य, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों से अपनी सीमा शेयर करते हैं, हाँ तीन देशों से सीमा शेयर करने वाले राज्यों के नाम बताओ, हाँ बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, मैप देख कर नहीं बता पा रहे हैं ना लायको, सिक्किम देखो, भूटान, चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल को देखो, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश,
अरुणाचल प्रदेश को देखो, भूटान, चीन, म्यांमार, समझ में आई कुछ बात? ये तीन ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों से अपनी सीमा शेयर करते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है। लद्दाख भी तीन देशों से सीमा शेयर करता है लेकिन वो केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख चीन से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से सीमा शेयर करता है। इतने लोग हैं, पता नहीं मानचित्र कौन से मानचित्र तुम अभी तक पढ़े हो तुम लोग। मानचित्र पढ़ना पढ़ाना तो हो ना, तो खुद ही समझना होता, देखते रहो उसमें, समझते रहो कि क्या क्या हो सकता है, ये खुद देख के समझना होता है। चलो फिलहाल न्यू जलपाईगुड़ी, जैसे इन्होंने कहा कि अंतिम स्टेशन है तो अंतिम यहाँ पश्चिम में अंतिम होगा नहीं, पश्चिम बंगाल में। तो न्यू जलपाईगुड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब कहाँ तक जाएगा भाई? ढाका तक जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ट्रेन तो तीन है, ट्रेन कितनी है? तीन है, लेकिन दो ट्रेन कोलकाता से शुरू हो रही है और दो ही ट्रेन ढाका पहुँच रही। ये बात को समझ में आई? ट्रेन तीन है, दो कोलकाता से शुरू होती हैं और दो ही क्या होती हैं? ढाका पहुंचती हैं। एक ट्रेन ऐसी है जो कोलकाता से शुरू नहीं होती है, एक ट्रेन ऐसी है जो ढाका नहीं पहुंचती है। अब यही तुम्हें कन्फ्यूजन होगा, तुम पढ़ के चले गए सबरे, अब वहां तुम पहुंचे तो तुम्हारे दिमाग में कन्फ्यूजन शुरू कि कोलकाता से ढाका कौन है, कोलकाता से खुलना कौन है, है ना, इसके अलावा न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका कौन है, क्योंकि वो दिन न्यू जल का पता चले न्यू जलपाईगुड़ी को तुमने खुलना पहुंचा दिया तो ही मामला गड़बड़। तो इसके बस समझने का तरीका तो पहले ही बता दिया हमने कि राजधानी से राजधानी में क्या होती है? मित्रता होती है। तो मैत्री होगी राजधानी से राजधानी, अर्थात कोलकाता से ढाका की क्या हो गई? मैत्री हो गई। बंधन को खुलना था, बंधन को खुलना था, तो बंधन खुलेगा तो इधर से कहां से शुरू होगा? कोलकाता से। तो बंधन कोलकाता से शुरू हुआ लेकिन जाके क्या हो गया? खुल गया खुलना में। क्लियर हो गया? मिताली नहीं है, मिताली कौन है भाई? सबसे बाद की ट्रेन वही है तो कह सकते हो कि मिताली नहीं है, और नहीं है तो अंग्रेजी में न्यू है, तो मिताली नहीं है तो अंग्रेजी में न्यू है, मतलब न्यू जलपाईगुड़ी से शुरू हुई और आगे उसको फिर जब जलपाईगुड़ी से शुरू हुई तो आगे कहाँ जाना है? ढाका जाना। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो ये समझ में आ गया, तो बंधन से खुलना याद करना और मिताली को नए से न्यू जलपाईगुड़ी याद कर लेना, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा कौन सी ट्रेन कहाँ से चली है और कौन सी ट्रेन कहाँ को गई है। कर लोगे कि नहीं कर लोगे? भूलोगे तो नहीं? ध्यान रखना ये कभी भी सेम वाला नहीं पूछेगा, कोलकाता टू ढाका पूछने की बिल्कुल संभावना नहीं है, यहाँ वही पूछेगा जो उल्टे स्टेशनों पर जाती है, अर्थात बंधन और मिताली कहाँ से कहाँ जाती है, इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया। क्लियर? अच्छा अगला क्वेश्चन क्या देखना भाई? अगला क्वेश्चन ये है कि अभी जो मोदी जी हैं उन्होंने जो है 2021 में उसका उद्घाटन किया था, 22 में उसको प्रारंभ कर दिया गया था, और वो क्या है? तो वो है जो है एक बांग्लादेश और भारत के बीच में रेल लिंक है, उसका नाम है, कल हमने जिक्र किया था, हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक। तुम लोगों से यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये बताइए कि हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी रेल लिंक किन दो देशों को जोड़ती है? तो कौन से दो देश हैं? भारत और बांग्लादेश को जोड़ती है। कहाँ पर है ये हल्दीबाड़ी? किधर है हल्दीबाड़ी? भारत, हाँ हाँ बताओ, तुम अपना बताओ, कुछ बता रही थी। हल्दीबाड़ी बांग्लादेश में है, चिल्हाटी इधर है, हाँ तो बड़ी समस्या है ये, कौन कहाँ है तो लिखिए जरा, भारत और बांग्लादेश के मध्य में रेल लिंक। अरे अभी याद करा देंगे, टेंशन ना लो, एक बार हमें सुन लो, तुम्हें लगता है कि हमारे सुनने के बाद ये चीजें तुम्हारे पास बचेंगी? हैं, हमें सुनना ही तुम्हारे जीवन का क्या है? कल्याण मात्र है, तुम्हारा कल्याण हमारे सुनने से ही हो जाएगा, लिखने से तो जो है पोथी पथरा लिख के जगमुआ बंडित भया ना कोय, ध्यान करना। तो ढाई आखर पढ़े सो पंडित होए, बस सुने सो पंडित होए, हाँ सुने, पूरा डायलॉग बदल दिया ना उधर, हमने लिखने वाले पढ़ने वाले की जगह पर लिखने वाला बोला, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए तो अगला पॉइंट क्लियर हुआ, लिखना था भारत और बांग्लादेश के बीच में रेल लिंक, रेल लिंक का नाम है हल्दीबाटी, हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी, ऐसे हल्दीबाड़ी और उधर कौन, हाँ चिल्हाटी, ना समझ में तो चिल्हाटी याद कर लो, चिल्हाटी ठीक। तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक ध्यान रखिएगा,
हल्दीबाड़ी आपको मिल जाएगा पश्चिम बंगाल अर्थात भारत में, और चिल्हाटी मिल जाएगा कहाँ पर, बांग्लादेश में। तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच में है, किधर हो गया। हो सकता है तुमसे उसमें पूछ दे कि भाई ये जो है हल्दीबाड़ी किधर है, चिल्हाटी किधर है, तो हल्दीबाड़ी भारत में, चिल्हाटी किधर बांग्लादेश में, सीधा सीधा उसका आंसर दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक, याद करने का तरीका थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जो है चेंज कर दें, तो इधर हल्दीबाड़ी की जगह हेल्दी बॉडी मिल जाएगा, और उधर चिल्हाटी की जगह चिल्लाटी मिल जाएंगी। चिल्लाटी कौन, शेख हसीना, समझाई बता, कौन है शेख हसीना, पीएम है, अवामी लीग की सरकार बन गई, अभी तो बताया था कल तुम लोगों को, पांचवी बार अवामी लीग की सरकार बनी। तो उधर चिल्लाटी, इधर हल्दीबाड़ी, मोदी जी 56 इंच वाला हेल्दी बॉडी, नहीं समझा तुम्हें, तो मोदी जी 56 इंच वाले कौन, हेल्दी बॉडी, तो हेल्दी बॉडी किधर है, इधर ही है। तो हेल्दी बॉडी कहाँ हो गई, भारत में, और चिल्लाटी किधर हो गई, बांग्लादेश में। तो ऐसे याद कर लो, चिल्लाटी कौन, चिल्लाटी शेख हसीना चिल्लाटी, हल्दीबाड़ी किसकी है, मोदी की, 56 इंच, याद कर लो। समझाई बात, कि मोदी जी आजकल दक्षिण भारत में टहल ले, दक्षिण भारत में तो है आजकल, अभी देखो कितना बढ़िया बंदे ने दिमाग लगाया है, उत्तर भारत में राम मंदिर का उद्घाटन करा के उत्तर भारत का वोट बैंक संभाल लो, और दक्षिण भारत में घूम के खुद ही वोट संभाल ले, क्योंकि दक्षिण भारत पर राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्तर भारत पर पड़ेगा। और उद्घाटन के दिन आ जाएंगे, कहाँ पे आ जाएंगे, यहीं अपनी मिलेंगे, अभी वहीं कहाँ पे अयोध्या मिलेंगे। ठीक, दिमाग अभी से लगा लिया एकदम बंदे ने जो है, कि उत्तर भारत को साध लो राम मंदिर से, और दक्षिण भारत को साध लो किससे, हाँ घूम घुमा के। तो घूम रहे हैं दक्षिण भारत में कई दिनों से लगातार, उधर कहीं लक्षद्वीप जा रहे हैं, कहीं तमिलनाडु जा रहे हैं, कहीं केरला जा रहे हैं, पूरा घूम के आ रहे हैं उधर से, इधर उद्घाटन आके कर देंगे अभी, कौन सा राम मंदिर का, तो भव्य उद्घाटन है, तुम नहीं जा रहे हो का, जाना बहुत, मारे हाथ पे तोड़ दें, पढ़ाई कर लेना, हम पढ़ाएंगे उस दिन 24 घंटे की मैराथन, यदि कहीं गए तो, नहीं आज चली 12 घंटे की, तो कोचिंग मन से क्या मतलब है, तुम नहीं आओगे, ऑनलाइन मैराथन तो चलेगा, और बताया था जिसको मान लो ना उस तरह पढ़ने का मन करे तो आ जाना मेरे हवेली पर, कहाँ, गेस्ट हाउस, सचान गेस्ट हाउस बर्रा, वहीं आओ, वहीं आराम से वहीं चलाएंगे, वहाँ कोई ना पूछने वाला, ना देखने वाला, ना जांचने वाला। ठीक, वहीं आओ, आराम से बैठ के पढ़ना तो बैठ के पढ़ो, ऑनलाइन चलती रहेगी, समझाई बात कि नहीं आई, हाँ तो क्लास लंबी होगी तुम्हारी, क्लास ऑफलाइन भले ना कराएं लेकिन ऑनलाइन पर चली क्लास, ध्यान रखिएगा। तो हल्दीबाड़ी और चिल्हाटी क्लियर हो गई होगी, अब तो गड़बड़ नहीं करोगे। ठीक, क्योंकि अभी तुमको एक नया रेल लिंक शुरू किया गया भूटान से, तो अभी बात करेंगे भूटान से जो नया रेल लिंक शुरू किया गया वो कौन सा है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे कि भाई उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ कर सकता है, पूछ सकता है, कोकराझार से गोल्फू या जिलेपा शब्द इसको करेंगे, तो उसके यहाँ शुरू किया गया है, तो ये भी पूछा जा सकता है भूटान से, क्लियर हो गया। चलिएगा, तो ये तो हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक हो गई, यहाँ मामला खत्म होता। अब इसके बाद हमने कल बताया था एक समझौता हुआ था, कौन सा, LBA समझौता, कौन था भाई, LBA, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य का समझौता, हेडिंग डालिए भारत और बांग्लादेश के मध्य समझौता, भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या भाई समझौता, समझौते का नाम लिखिए LBA। LBA का मतलब होता है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट सीधा सीधा बता सकते हैं। ठीक, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हिंदी में भू सीमा समझौता, क्या बोलोगे, भू सीमा समझौता, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट लिखा, हिंदी में लिखो भू सीमा समझौता, लिखा था मैंने, तो भू सीमा समझौता, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट या भू सीमा समझौता, सीधे सीधे आप इसको याद कर सकते हैं, पूछा भी जा सकता है आप लोगों से, क्लियर रहेगा। तो अब यदि हम लोग देखें तो भू सीमा समझौता कब हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था, फिर उसके बाद लागू कब हुआ, ये सब पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, समय की। तो ये जो भू सीमा समझौता हुआ था कब हुआ था, कब हुआ था, तो ये जो है 1974 और किसके किसके बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय थी और उस शेख मुर्जी उर रहमान थे, तो संबंधित की बात करेंगे। ठीक, तो संबंधित आप बता सकते हैं इंदिरा गांधी को, किसको बता सकते हैं भाई, इंदिरा गांधी,
और उधर से यदि बात करा जाए तो शेख मुर्जीउर रहमान जो बांग्लादेश के क्या हैं, जनक हैं। तो शेख मुर्जीउर रहमान और रहमान, ठीक। अगला जो पोर्शन है, पोर्शन तुमसे ये पूछा जाएगा कि जो एलबीए समझौता है इसके लिए कौन सा संशोधन किया गया या एलबीए कब लागू हुआ। तो संशोधन कराया गया 100वां और एलबीए लागू हुआ 2015। तो यहाँ पर लिख लो सीधे सीधे, जरा क्या लिखोगे भाई, तो जरा लिखो एलबीए के द्वारा, एलबीए के लिए कराया गया संशोधन, संशोधन कौन सा बताओगे, 100वां संविधान संशोधन। या हो सकता है तुमसे यही पूछ दे कि भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि विवाद को सुलझाने के लिए कौन सा, है ना, कौन सा संशोधन कराया गया था। तो बांग्लादेश और भारत की भूमि विवाद को सुलझाने के लिए कराया गया संशोधन। खत्म, जगह नहीं दिख रही, अरे नालायक, पूरी सीटें खाली है फिर भी पता नहीं कहाँ ऊंट की तरह देख रही है, ऊंट की तरह से मतलब ऊंट हमेशा ऐसे देखता है, ऐसे ऐसे देखता, ऊंट ऐसे नहीं देखता है, इसलिए घसक जा भाई, घसक मतलब घसकने में इनको दिक्कत हो रही है, घसक लो। तो ऊंट हमेशा ऊपर देखता क्योंकि उसको जो है नीचे घास तो खाता नहीं है, वो ऊपर वाले जितने होते हैं वो बेर ओर के पत्ते होते हैं, बेर खेर और खेजड़ी ओजड़ी उसका पत्ती खाता है, तो इसलिए हमेशा ऊपर देखता है, इसलिए हम कहते हैं ऊंट के तरीके से। और उससे भी ज़्यादा देखना तो जिराफ के तरीके से, है ना, जिराफ हमेशा एकदम ऊपर ध्यान देता, नीचे ध्यान नहीं दे पाता हो, ठीक। तो 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य का जो है समझौता है, भूमि विवाद को सुलझाया था। अभी क्या सुलझाया था थोड़ी देर में समझाते हैं। अब सबसे पहले पूछा जाएगा यही कि भैया 100वां संविधान संशोधन कब हुआ और कब लागू, तो समय आप वही बता देंगे 2015 में। लागू की यदि बात होता है तो बता देना 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 2015 को ये क्या हो गया था, प्रभावी हो गया था। तो एलबीओ को इसने सुलझाया, या एलबीओ को पूछता है तो भी 100वां संविधान संशोधन। फिर तुमसे पूछेगा कि विशेष क्या हुआ था इसमें, तो लिखिए जरा, बताते हैं इसको। तो विशेष में आपको यह ध्यान रखना है कि जो एलबीए समझौता हुआ, एलबीए समझौता के तहत या 100वें संविधान संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप थे जिसको बोला जाता छींट महल, क्या बोलते हैं उसको, छींट महल या इनक्लेव बोलते थे या अंतर क्षेत्र बोलते थे। इन छींट महल, इनक्लेव और जो अंतर क्षेत्र थे, ये भारत और बांग्लादेश के लिए काफ़ी विवादित थे। वहाँ पर जो लोग थे वो ना भारत के थे ना बांग्लादेश के थे, उन पर कोई कानून नहीं लागू होता था, वो दोनों तरफ लूटपाट करते थे, दोनों के लिए जो है क्या थे परेशानी के सबब, कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच में आ जाता था। तो हुआ कि भाई इससे निपटा कैसे जाए, तो हुआ कि जो जिस देश के बाउंड्री के पास हो वो उस देश में क्या कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए। और यदि वहाँ के लोग चाहते हैं कि हम भारत में ना रहें, मान लो भारत के बाउंड्री के पास है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि भारत में ना रहें तो चले जाएं छोड़ के, कहाँ पर, बांग्लादेश वाले में। अब बांग्लादेश के पास मान लो बाउंड्री है, वहाँ पर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हम कहाँ रहें, भारत में रहे, तो वो उधर से छोड़ के इधर चले आए। द्वीपों का इसमें क्या किया गया था, हस्तांतरण कर दिया गया था। द्वीपों के लोगों के लिए एक निर्णय दिया गया था कि आप जहाँ रहना चाहें रह सकते हैं, यदि भारत में रहना चाहते हैं तो उस द्वीप में ही रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और यदि क्या चाहते हैं नहीं भारत में ना रहें, हम बांग्लादेश के निवासी बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो भारत वाले द्वीप हैं उन्हें छोड़ के बांग्लादेशी द्वीपों पर जाना पड़ेगा, बांग्लादेश वालों को भारतीय द्वीपों पर आना पड़ेगा, ये इसका मतलब था। तो विशेष में जरा लिखिएगा, जो है बांग्लादेश को दिए गए अंतः क्षेत्र, विशेष में लिखो बांग्लादेश को दिए गए अंतः क्षेत्र, अंतः क्षेत्र समझ में आया ना, तीन तरीके से लिखोगे, बांग्लादेश को दिए गए अंतः क्षेत्र या कहें तो इनक्लेव, क्या बोलोगे भाई, इनक्लेव। तो बांग्लादेश को दिए गए अंतः क्षेत्र या इनक्लेव, या शुद्ध हिंदी में इसका नाम पड़ा था छींट महल, क्या नाम पड़ा था भाई, छींट महल। तो अंतः क्षेत्र, इनक्लेव या कहें तो छींट महल, इतनी बात समझ आ गई। तो अंतः क्षेत्र है, इनक्लेव है, या कहें तो क्या है, छींट महल है, इसको आसानी से याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाँ, छींट, छींट इसलिए क्योंकि वो बिखरे हुए थे, नहीं कहते छींट देव, है ना, तो छींट देव, तो इसका मतलब क्या है कि वो बिखरे हुए थे, इसीलिए उसका नाम क्या था, छींट महल। इनक्लेव इसलिए क्योंकि बाउंड्री में घुसे हुए थे, कहीं भारत की बाउंड्री में कहीं उनके बाउंड्री में, इसलिए उसको अंतः क्षेत्र या इनक्लेव कहा गया। तो कितने बांग्लादेश को दिया था हम लोगों ने, 101 दिए थे, 111 दिए थे, 111 दिए थे। भारत को कितना मिला था, हाँ, तो भारत को कितना मिलेगा ये पूछेगा। तो ये इसी तरह से लिख लो, भारत को प्राप्त होने वाले अंतः क्षेत्र वो बता देना कितना, 51।
तो भारत को प्राप्त होने वाले अंतर क्षेत्र थे 51 और बांग्लादेश को प्राप्त होने वाले थे कितने 111। अब कई बार यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ दिया जाता है, ठीक, तो इसमें आप याद रखेंगे, तो भारत को 51। अब मामला यह है कि कहीं तुम्हें यह ना अनुभव होने लगे कि भारत बड़ा था तो ज्यादा मिलना चाहिए, बांग्लादेश छोटा था तो उसे कम मिलना चाहिए। इसको उल्टा करना, इसको ध्यान रखना सीधा सीधा है क्या भाई, अंतर क्षेत्र क्लेव या छिंड महल की जब बात करें तो बांग्लादेश हमसे छोटा है, हम लोग उससे कहा है बड़े हैं। तो हम लोगों ने जो व्यवहार निभाया है, क्या निभाया हम लोगों ने व्यवहार, हाँ, तो बांग्लादेश छोटा है तो उसने हमको कम दिया, हम लोग बड़े हैं तो उसको हमने क्या दिया, ज्यादा दिया, 111 दे दिया हम लोगों ने। तो यही याद कर सकते हो, क्या दिया गया, व्यवहार निभाया है और हमने 111 दिया और 51 क्या कर लिया है, प्राप्त करा है। बात समझ नहीं आई रही बात, और जैसे मान लो तुम हमारे यहाँ आओ तो तुम लोग कम व्यवहार निभा सकते हो, लेकिन हम तुम्हारे यहाँ आएंगे तो ज्यादा निभाना पड़ेगा, क्योंकि सब मान लो 501 दे रहे हैं, हम भी 501 दें तो फिर कहोगे लो मनुष्य तो बड़े कंजूस निकले, 501 दे के गए, अब हम आएंगे तो मान लो 1100 2100 इस तरह का कुछ, हाँ कुछ इस तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम अधिकांशतः जाते ही नहीं है, बातें खत्म करो, कौन जाए फर्जी में लेथन वाले, अब पता चले कि वहाँ पर जाने के बाद अपने सम्मान बचाने के चक्कर में पता चले 2100 का निकाल लो, हाँ 1100 का निकाल लो, कम से कम 1100 तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा हमको, और तुम लोग कहीं चले गए तो मान लो कि बातें खत्म, ये तो कन्यादान जुड़ जाएगा फिर, ये तो व्यवहार हो गया 1100, अब कन्यादान दो है कि नहीं, अब पता है लेकिन 2100 2100 वाला चला 5100 पहुंच गया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो हम इसीलिए लड़कियां जितनी हमारे यहाँ दी के जाती है कदम जाते ही नहीं, बातें खत्म। हाँ लड़कों वालों में प्रियोरिटी रखते हैं कि पास में कौन है, क्योंकि उसमें तो व्यवहार लिखाना नहीं होता है, बस उसमें निकल लेते भाई लड़कों में जाना जाना खाना चले आना बात खत्म, व्यवहार लिखाना जेब से कुछ नहीं जाना, ठीक। हाँ हमारे यहाँ लेकिन उल्टा है, तुम्हें बता दें हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो चाहे लड़का का हो और चाहे लड़की का हो, हमारे यहाँ व्यवहार सब में लिखाया जाता है, लड़के में भी और हाँ लड़के और लड़की दोनों में, शादी विवाह के मतलब हो ना कि लड़का तो खाक मार डाले हो, हैं भाई सिंपल लॉजिक है ना उसमें, शादी विवाह के व्यवहारियों को बुलाया जाता सहयोग के लिए, बात सुना कि नहीं है, यानी कि तुम आकर अंक मऊ खा लो जमा करो 51 रुपये और खा कर चल दिए 151 रुपये, इसके लिए नहीं तुम लोग बुलाया जाता, वहाँ बुलाया जाता कि भाई आप आएँ और उसमें सहयोग करें। और जैसे मान लो कि शादी विवाह हमारे यहाँ तो कई बार मान लो कि 1-1.5-2-2 लाख रुपये तक इकट्ठा हो जाते हैं व्यवहारी, हम लोग बड़े लंबे चौड़े वाले व्यवहारी हैं, तो अब मान लो कि कुछ नहीं हुआ, हम करें 1.5 लाख रुपये जमा हो गया 2 लाख रुपये जमा हो गया, तो एक जो फंक्शन है उसी से क्या हो जाएगा निपट जाएगा, इसलिए व्यवहार कराया जाता। तुम लोग दूसरे एंगल में ले जाते हो कि खाने के लिए बुलाया जा रहा, खाने के लिए नहीं व्यवहार के लिए बुलाया जाता कि आप आएँ और कुछ हमारा सहयोग करें ताकि हम अपने जो है आगे कार्यक्रम जारी कर सकें। नहीं ये गलत चीज़ है भाई, डीजे उजे मारा पीट नहीं करना होता है ना, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, तो हमने ज़्यादा दिया और कम लिया, तो 51 क्षेत्र ले लिए और 111 दे दिए, बस यही तुम लोग को याद रखना है, बात समझ में आई कि नहीं। और इसी मामले में था 3 बीघा वाला गलियारा, वो भी क्या हो गया इसी के साथ सुलझ गया, भाई बीच में ही था, सीमा के बीच में था, उसको जिसके एरिया में जो पड़ा उसको दे दिया गया, बात खत्म हो गई। तो इस तरह से ये विवाद भी क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। 100वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, LBA याद रखिएगा, और ये अंतर क्षेत्र देना लेना भी याद करिएगा, तो ये आप काम बन जाएगा आपका। तो ये था भारत और बांग्लादेश के मध्य में चलाई जाने वाली क्या भाई, ट्रेन भी हो गई, लिंक हो गया, और साथ में क्या हो गया, 100वां संविधान संशोधन अर्थात LBA हो गया। एक क्वेश्चन और आता है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में एक सीमा पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, हाँ 0° लाइन, तो 0° लाइन तुमसे पूछी जा सकती है कि कहां पर पाई जाती है, तो लिखो जरा 0° रेखा या 0° लाइन, 0° लाइन, तो 0° रेखा पूछेगा या आपसे पूछेगा 0° लाइन कहां पर पाई जाती है, तो इसको देखते हैं भाई। तो 0° लाइन यदि पूछता है तो बता सकते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य की सीमा, और भारत और बांग्लादेश में कहाँ, त्रिपुरा से सीमा लगती है, तो लिख लो भारत और बांग्लादेश, ब्रैकेट में दिखा देना भारत वाले एरिया में त्रिपुरा, ठीक, तो भारत और बांग्लादेश अर्थात उसको क्या बोल सकते हैं, त्रिपुरा बोल सकते हैं, ठीक, तो उसको याद रखिएगा। तो त्रिपुरा से जो हमारी सीमा लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ 0° लाइन बोलते हैं, उसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा अंतर क्षेत्र इनक्लेव छिंट महल, इतनी बात सुनाएगी कि नहीं आ गई, तो अंतर क्षेत्र है, इनक्लेव है, छिंट महल है, आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्लियर हो गया, ठीक। अब मामला चलते हम लोग अगले पर, बात आ रही थी कौन सा, 0° भी हो गया,
जीरो डिग्री, या तो त्रिपुरा बांग्लादेश देगा या भारत और बांग्लादेश देगा, बात खत्म होती है इसकी। चलिए अब बांग्लादेश और भारत में कुछ बचा नहीं, अब आपका जो मैत्री वाला पॉइंट था यहीं पे नोट करा दे जरा, सबरी मैत्री, ताकि आपसे कहीं क्वेश्चन मैत्री पूछा जाए तो आंसर आप दे सकें। तो चलिए सारे मैत्री लिखिए। तो सबसे पहले मैत्री जो आपने अभी पढ़ा वही लिख लीजिए, मैत्री पुल तो तुम लोगों ने पढ़ ही लिया है ना। तो मैत्री पुल या सेतु किस नदी पर, किस नदी पर, फेनी नदी पर, कितना लंबा है, 1.9 किलोमीटर। दूसरा नाम बताओ इसका, मैत्री का दूसरा नाम समरूम रामगढ़। तो समरूम, सबरूम रामगढ़, सबरूम किधर, त्रिपुरा में, रामगढ़ किधर, बांग्लादेश। उल्टा लग रहा है कि सबरूम बांग्लादेश में और रामगढ़ इधर लग रहा हुआ है, लेकिन याद रखना रामगढ़ उधर है और सबरूम इधर है, क्लियर रख देगा नहीं तो मामला गड़बड़ जाएगा। तो मैत्री पुल अभी पढ़ा और मैत्री एक्सप्रेस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया गया कि जो मैत्री एक्सप्रेस है वो शुरू होती है 2008 में, चलती कहाँ से कहाँ तक, हाँ तो ये अभी आपने पढ़ा कि ये चलती है कोलकाता से ढाका तक, तो कोलकाता से ढाका ये भी पढ़ा आपने। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैत्री बस सेवा की, अभी नेपाल के पास पहुँचेंगे तो बात उस पर हम लोग करेंगे फिलहाल। तो मैत्री बस सेवा, तो मैत्री बस सेवा, तो मैत्री बस सेवा बताएंगे भारत और नेपाल, तो यहाँ दिखाइए भारत नेपाल, तो मैत्री बस सेवा बराबर भारत नेपाल। शहर कौन कौन से हैं जरा इसके नीचे एरो बना के लिखिए। तो दिल्ली से चलिए काठमांडू तक पहुँचिए, तो दिल्ली से चलेंगे काठमांडू तक पहुँचेंगे, ठीक। अयोध्या से चलिए और कहाँ तक जाइए, जनकपुरी तक जाइए, भाई अयोध्या है, अयोध्या से जनकपुरी, सीधी सी बात है, अयोध्या में राम थे जनकपुरी में, तो सिंपल सी बात है, यदि अयोध्या से चल रही है बस तो जाएगी कहाँ तक, जनकपुरी पर। भाई राम जी को मान लो सीता जी को लेवा के आना तो कैसे लेवाएंगे, बस से लें, हाँ सीधी सी बात है भाई, सीता जी को लाना है जनकपुर में, सीता जी राम जी इधर, तो कैसे लाया जाएगा, इसी तरह से लाया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा में हम लगता है ये लोग सीता जी को लाना भूल ही गए हैं, पहले इनको एक यात्रा शुरू करानी चाहिए थे, कहाँ से, जनकपुरी से, जनकपुरी से एक भव्य जो है झांकी निकाली जाती, वहाँ से यात्रा शुरू कराई जाती, सीता जी को वहाँ से आगमन कराया जाता है, कहाँ पे, अयोध्या में। अब 22 तारीख को सीता जी वहाँ आती मान लो, है ना, राम जी की मूर्ति वहीं से चलती मान लो, कहाँ से, जनकपुरी से जो है वहाँ से राम जी की मूर्ति को यहाँ लाना चाहिए, हाँ उतना लंबा मोदी सोच नहीं पाना, बिहार वार से फिर बिहार का वोट भी समेट जाता मान लो, है ना, बिहार का वोट पूरा समेट जाता, क्योंकि जनकपुरी से यात्रा शुरू होगी तो पूरा बिहार, पूरा पूर्वांचल वाला एरिया पूरा उसी में समेट जाता बिल्कुल, है ना, हैं नहीं हमसे पूछे होते तो हम तो बता देते, भाई यात्रा निकालना तो कैसे निकाल, आगे मान लो सीता जी को लाना है तो मान लो इसे कैसे काम चलेगा, हैं, अरे यार प्राण प्रतिष्ठा हो ही रही, तुम अभी जन्म की बात कर रहे हो पूरा, हैं ठीक, तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा जन्म तो कवाए हो गए, और अभी एक नया और भी बखेड़ा खड़ा हुआ कि पूस में कोई नया काम उद्घाटन नहीं किया जाता है, ये कभी कभी तो हमें लगता है कि सही पगला गए हैं सब बीजेपी वाले, सही बात है, हम कल सोच पाइए कि पूस में कोई नया काम तक नहीं होता, शादी विवाह तक नहीं होता है, और तुम प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का उद्घाटन करा दे रहे हो, तो गलत बात है। और खास बात एक और भी है कि पूस में भगवान विष्णु जो है शयन अवस्था में पहुंच जाते हैं, सो जाते हैं, हाँ तो क्षीर सागर में जो है वो चीर निद्रा में पहुंच जाते हैं, अब उनको तुम झकझोर रहे हो कि ना इधर आओ इधर आओ, गलत बात है भाई, किसी को सोने में मतलब परेशान करना, ये तो बिल्कुल भाई यार टाइप की बात हो गई भैया, हैं हाँ सही बात कली हो, कुछ लोग इसको भी सही ठहरा रहे हैं कि पंडितों ने इसको विचार विमर्श किया है, पंडितों ने तो वह विचार विमर्श करते हैं, कौन सा वाला, जब वो शादी विवाह होता है और गन्ना वन्ना नहीं बैठता, 36 का आंकड़ा कुछ देखा जाता है ना, लड़का और लड़की का आंकड़ा नहीं बैठता है, तो अच्छा दूसरा नाम बताओ, अच्छा हाँ तो उससे बैठा, उससे भी नहीं बैठा तो कहते थोड़ा पैसा लाओ बैठा देते हैं हम, तो पंडित जी लोग ऐसे बैठाते, तो हो सकता है ये वो वाला जो 22 वाला है, मोदी ने कहा कि भाई उद्घाटन तो करना है 2019 से पहले करना है, क्योंकि 2019 का मतलब ये चुनाव वाला, 2024 से पहले, मार्च अप्रैल से पहले करना है, तब उन्होंने कहा कि भाई देखो फिर मार्च उर्च में होगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस समय चुनाव की घंटी बज चुकी होगी, तो समस्या ये है, तो इन्होंने कहा होगा भाई जबरदस्ती कुछ करो भाई व्यवस्था तुम लोग करो, तो उन्होंने कहा ठीक 22 तारीख को कर दो बात खत्म, समझ में आई बात, ये बात तुम अभी तुम लोगों को भी नहीं पता होगी, ये बात अब पता चल गई ना, तो ध्यान रखना
पूस में जो है कोई भी जो है मांगलिक कार्य शुभ काम नहीं किए जाते, मंदिरों में सारे भगवान शयन अवस्था में पहुंच जाते हैं, और खास करके विष्णु तो विशेष रूप से पहुंचते हैं। ठीक, हाँ चलिए बिलाल कोई बात नहीं, जनकपुरी से अयोध्या तक चलेंगे। आइए जरा बनारस, बनारस से जो जाएगी वो जाएगी पोखरा तक। खास बात आपको बता दें, जैसे भारत और उत्तर प्रदेश के जो सांस्कृतिक केंद्र है वो बनारस है, वैसे ही नेपाल में सांस्कृतिक केंद्र कौन है? पोखरा है। इसलिए बनारस से पोखरा चलती है, अयोध्या से जनकपुरी, कारण समझ में आ गया। दिल्ली से काठमांडू राजधानी टू राजधानी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये तुम्हारी मैत्री बस सेवा हो गई। अच्छा और आगे बोल लो जरा, हटा दें। हाँ बनारस से पोखरा, पोखरा नलायक नेपाल में है, नलायक उधर सब नेपाल में है, काठमांडू जनकपुरी पोखरा, इधर सब भारत वाले हैं। तो जनकपुरी तुम लोग कल बिहार में लग रहा है, नलायक हो नेपाल में है वो, अरे पगले हैं सब बिल्कुल। जनकपुरी बिहार में नहीं है भाई, जनकपुरी नेपाल में है। हाँ बिहार वाला जो है वो मिथिला है, बात समझ गए नहीं? तो मिथिला है वो पड़ेगा बिहार में, लेकिन जो जनकपुरी वर्तमान में जनकपुरी जो है वो कहाँ है? नेपाल में। तो सीता जी बिहारी नहीं थी, नेपाली थी। ये जो कल कोनो चपर चपर कर रहा था हमने, उससे मैं नहीं कुछ बोला था, है ना? तो बिहारी नहीं है सीता जी, कहाँ है? नेपाली है। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं आ गई सबको? हाँ बिहार में उनके जो है जो विदेह राजा थे, राजा जनक, वो उनका राज शासन था कहाँ पे? मिथिला में, मधुबनी वाला एरिया जितना है, सीतामढ़ी जो है और मिथिला उथिला वाले रही वहाँ पे। तो जनकपुरी बिहार में ना बता दें, जनकपुरी नेपाल में। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई? नहीं तुम लोग गुड़ गोबरे कर देते, हम पढ़ा के आगे निकल जाते थे। उधर सबरे नेपाल, इधर सबरे भारत में है। क्लियर? चलो तो मैत्री पुल हो गया, मैत्री एक्सप्रेस हो गई, मैत्री बस सेवा हो गई। अगला, अगली मैत्री की बात करें तो मैत्री अनुसंधान केंद्र, तो मैत्री अनुसंधान केंद्र बताइए जरा कहाँ है? मैत्री अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बोलो बोलो। ये जो है मैत्री अनुसंधान के दक्षिणी ध्रुव पर है, अंटार्कटिका पे है, अंटार्कटिका। ठीक, तो पूछा जाएगा मैत्री अनुसंधान केंद्र किसका है, तो भारत का है। कहां पर है? तो अंटार्कटिका में है, दक्षिणी ध्रुव पर है। और भारत ने दक्षिणी ध्रुव पे तीन अनुसंधान केंद्र लगाए थे, तीन रिसर्च सेंटर लगाए थे। पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। तो याद कर लेना, तो सीधा सीधा दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। ये पूछा भी जाता कई बार, एक बार तो यही पूछ दिया था दक्षिणी गंगोत्री क्या है, तो पता चले गंगा का उद्गम बता के चले आए सब। तो दक्षिणी गंगोत्री जो है गंगा का उद्गम नहीं है, दक्षिणी गंगोत्री दक्षिण में है, वो अनुसंधान केंद्र है, वो अंटार्कटिका पर स्थित भारत का कौन सा केंद्र है? अनुसंधान केंद्र। तीन है, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। पहली दक्षिणी गंगोत्री है, दूसरी कौन है? मैत्री, और तीसरी भारती। याद करने का तरीका सीधा है कि मैत्री हमेशा बीच में होती, तो पहली दक्षिणी गंगोत्री, बीच में मैत्री, लास्ट वाली भारती। क्लियर हो गया? अनुसंधान केंद्र वाला भी तुम्हारे में है कि जो है अनुसंधान, शोध अनुसंधान पूछेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं सबको? करवट तो नहीं करोगे? दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती, तीन अनुसंधान केंद्र है कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर। और दो हैं कितने कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पर। कौन कौन से? हाँ हिमाद्री और इंड आर्क। तो हिमाद्री और इंड आर्क हैं उत्तरी ध्रुव पे भारत का अनुसंधान केंद्र, और दक्षिणी ध्रुव पे हैं दो, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, भारती। क्लियर हो गया सबको? ठीक, तो मैत्री अनुसंधान केंद्र हो गया। अब इधर आओ, अगला देखना है, अगला मैत्री कौन सा भाई? तो मैत्री युधाव्यास, देख लीजिए। तो मैत्री युधाव्यास, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई मैत्री नामक युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है, तो मैत्री युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो ये जो है तीन देश मिलेंगे इसमें, भारत आएगा, श्रीलंका आएगा, बांग्लादेश नहीं है, तो श्रीलंका, भारत, श्रीलंका और मालदीव, भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो ये आपको ध्यान रखना, भारत, श्रीलंका, मालदीव के बीच में होता है ये।
मैत्री युद्धाभ्यास, बात समझ गई? तो मैत्री युद्धाभ्यास भारत श्रीलंका और किसके बीच में? मालदीव के बीच में होता है, ठीक। मैत्री और कुछ बचा? ऑपरेशन भी इम्पोर्टेंट है जरा, मैत्री अभ्यास है, मैत्री ऑपरेशन भी है, मैत्री दिवस भी है। हाँ तो मैत्री ऑपरेशन कब, मतलब कहाँ? तो ये 2015 में भूकंप राहत के लिए चलाया गया था, है ना, 2015 में। तो लिख लीजिएगा मैत्री ऑपरेशन और डैश करके लिख लो, ठीक। नेपाल भूकंप से राहत के लिए चलाया गया, इसके लिए चलाया गया ना, तो नेपाल भूकंप से राहत के लिए 2015। कानपुर भी हिला था उस समय, याद है दोनों को? 12 बजे के आसपास में आया था भूकंप। जब भूकंप आया था तो उस समय हम पढ़ा रहे थे उधर गोविंदनगर में, नंदलाल चौड़ा, उसमें दीप क्लब वहाँ हुआ करती थी, तो उसमें हम पढ़ा रहे थे, हैं। पहले सेकंड वाले मतलब फर्स्ट फ्लोर पे क्लास चल रही थी मेरी, पढ़ा के बाद हम बैठे ही थे, अभी बीच में गैपिंग हुई थी, हम बैठे थे, फिर पीछे एक्वेरियम रखा था, तो हम एक्वेरियम को देख रहे थे। तो मेरी आदत थी कि जो है हम जब भी बैठते थे तो एक्वेरियम देखा करते थे, तो हम एक्वेरियम देख रहे थे, तो पानी में अधिक उछाल था रोज की तुलना में, तो हम यही देख रहे थे पानी में अधिक उछाल क्यों है। फिर हम जब तक ये कहे कि भाई पानी में अधिक उछाल क्यों है, तब तक सामने वाला कह के हिल कहे रहे हो, तो हम जैसे वो कहा तब तक पता चला कि बाहर जो है लोग चिल्ला पड़े भूकंप आएगा भूकंप आएगा, सब नीचे फैले रोड के चारों तरफ। हम फिर थोड़ी देर के बाद फिर हुआ कि चलो पढ़ाया जाए, तब तो फिर एक झटका आया था, थोड़ी देर के बाद फिर झटका आया था, थोड़ी देर के लिए हिला था, तो सब बड़बड़ाया गया। तो हमने कहा देखो बेटा क्या है, मरना होते ही धीरे धीरे मरी जाइयो, भाग के कहाँ जाइयो ये तो बताओ भाई, कहाँ भाग के चले जाओगे? मान लो तुम छत से नीचे उतरी जाओगे, अब भूकंप यदि ठीक ठाक आ गया तो पूरी छत है, तो वहाँ ऊपर गिरी कहाँ जाइयो भैया, तो चक्कर होना पड़ो, बचना होगा तो यहीं बच जाओगे, अब मरना होगा तो यहाँ से भागते भागते जाओगे, पता वहीं धसी गई जहाँ तुम खड़े थे, वहीं धसी गई तो क्या कर लोगे भाई। तो ये प्राकृतिक आपदाएँ, उनसे बचना मुश्किल है। प्राकृतिक आपदा में प्रकृति ही यदि तुमको बचा रही है तो तुम बच सकते हो। ये तुम सोचोगे हम उसे भाग के बच गए, कहाँ 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 तक भाग के जाओगे ये तो बताओ, कितने किलोमीटर भाग लियो है? अब जैसे मान लो कि नेपाल में जहाँ भूकंप आया था कहाँ भाग के जाते, जहाँ भूकंप आया तो वहीं जमीन धस गई, ऊपर की बिल्डिंगें गिर पड़ी थी, लोग उसी में दब गए, कहाँ भाग के चले जाओगे, खत्म होगा तो खत्म हो ही गए। समझाई बात मैत्री ऑपरेशन? इसीलिए जब अभी उन्होंने तुर्की और सीरिया में जब चलाया ऑपरेशन अभी 2023 में, उसका नाम रखा था ऑपरेशन दोस्त। क्या नाम रखा था उसका? ऑपरेशन दोस्त। तो मैत्री हम लोगों ने चलाई थी नेपाल में, लेकिन ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की और सीरिया में। आगे चल के अभी बात करी जाए 2023 के करंट पर, ये चर्चित घटना है तुर्की और सीरिया भूकंप। इतनी बात समझ के नहीं आई सबको? चलिए तो मैत्री ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, कहाँ पर? नेपाल में। और मैत्री दिवस? हाँ तो ये तो तुम्हें पता ही होगा कि मैत्री दिवस कब मनाते हैं, 30 जुलाई को। तो अपना लिख लो मैत्री दिवस बराबर 30 जुलाई। क्लियर हो गया? मैत्री समझ में आई कुछ कि नहीं आई? बस इतना ही तुम्हें समझना है किसमें, मैत्री में। तो मैत्री का मामला यहां से क्या हो जाता है, कौन मैत्री बच गई भाई? हाँ बढ़िया बात, एक ये भी बात सही है, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंचते तो वो भी याद आता, कौन सा मैत्री बांध कहाँ है, मैत्री डैम, ये भी के भी है, अभी हम अफगानिस्तान पहुंचते तो याद आता ये। तो मैत्री बांध या डैम पूछा जाएगा ये कहाँ है, तो मैत्री बांध का ही नाम है सलमा बांध। क्या नाम है? सलमा। तो चाहे तुम उसे मैत्री डैम कहो, मैत्री बांध कहो, चाहे तुम उसे क्या बोलो, सलमा बांध बोलो, बात एक ही है। तो मैत्री बांध या सलमा बांध, बात एक ही है। तो मैत्री या सलमा, ये है अफगानिस्तान में। तो इस बांध का निर्माण भारत ने किया था, तो उसका नाम मैत्री बांध रखा गया था, और वहां के हिसाब से इसका नाम क्या है, सलमा बांध है। तो तुमसे कहे सलमा बांध कहां पर है या मैत्री बांध कहां पर है, तो बता देना मैत्री या सलमा बराबर कहां, अफगानिस्तान में। क्लियर हो गया सबको? चलिए तो कुछ रिश्ते समझ में आ रहे हैं भारत और पड़ोसी वाले? हाँ ध्यान रखना, जब क्वेश्चन इधर से आएगा तो इसी एंगल का बनेगा। चलिएगा तो ये तो तुम्हारा खत्म हो गया, कौन सा, बांग्लादेश से जो हमारे संबंध उम्बंध थे ये खत्म हो ही गए। चलिए जरा नेपाल पहुंचते हैं हम लोग, नेपाल को समझते हैं भाई कि नेपाल का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वहाँ से पूछा जा सकता है। तो अगला देश नेपाल है, फिर हम पहुंचेंगे भूटान, फिर पहुंचेंगे म्यांमार, फिर पहुंचेंगे श्रीलंका, फिर उसके बाद मामला खत्म।
फिर आएंगे हम लोग ह्यूमन राइट्स पे, मानवाधिकार पे। तो बात आ रही है अब कहाँ चलना है, नेपाल चलना है। चलिए सब लोग नेपाल चलिए, जरा पहुंचे नेपाल तुरंत पहुंचे, सीता जी को लाना उधर से जनकपुरी से। 22 तारीख को जो है भव्य उद्घाटन है भाई, हाँ। तो बिहार वाले भी सीता जी को बहुत मानते हैं, सीता जी के बिहार वालों ने मूर्ति बनाई, कितनी ऊंची बनाई है, 251 मीटर की बनाई, फीट उठ धरो किनारे, हाँ। उन्होंने कहा कि जो है सबसे ऊंचा ही मूर्ति हम बना देंगे। बात सुनाई कि नहीं आई, क्योंकि 182 मीटर तो तुम्हारे वहाँ वाली है, कौन सी वाली, हाँ वो वाली। फिर यहाँ पर हुआ क्या नाम है, राम जी की मूर्ति बन रही है अयोध्या में, वो कितने की है, हाँ। तो जो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जो राम जी की मूर्ति बन रही है वो बन रही है 151 मीटर की, वैसे आधार और शीर्ष मिला के 221 हो जाएगी। बात समझ के नहीं, 20 मीटर की छतरी है उसमें, और इसके अलावा जो है 20 मीटर की छतरी हो जाएगी और 70 मीटर की वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसका जो आधार वाला जो ऊंचाई है। तो यहाँ पे मूर्ति बनी कितने की, 151 की। तो बिहार वालों ने कहा कि हम सीता जी को ऊंचा बना दिए तुमसे, इन्होंने बनाया 151, उन्होंने बना दिया कितना, सीता जी जो है राम जी से जो है ऊंची हैं। समझ में आई बात कि नहीं, सीतामढ़ी में बनाई गई वो मूर्ति, क्वेश्चन आ चुका बिहार में ये, अब तुम्हारे यहाँ तो नहीं आएगा, तुम्हारे आना होगा तो राम जी पूछेंगे राम जी कितनी ऊंची मूर्ति बन रही सरयू में। बात समझ गए नहीं, तब तुमको बताना कितनी ऊंची, हाँ 151 मीटर की बनेगी, क्लियर बात। चलो थोड़ा नेपाल की बात करते हैं। अच्छा, नेपाल एक ऐसा देश है जो गुलाम नहीं हुआ, जिसे किसी ने गुलाम नहीं बनाया, कभी गुलाम नहीं बनाया गया इसको। तो नेपाल एक ऐसा देश है जिस पर किसी ने अपना कब्जा नहीं जमाया, अर्थात इसे गुलाम नहीं बनाया, ऐसा क्या था इसमें भाई, हाँ। तो बात यही है कि वहाँ जब कुछ है ही नहीं तो कब्जा किस पे करें भाई, हम किसी देश पे कब्जा करेंगे, किसी को गुलाम बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, जब वहाँ से कुछ मिले, और जब वहाँ से कुछ मिलना ही नहीं है तो गुलाम क्या बनाए। आज भी उनकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, हाँ पर्यटन। तो नेपाल के मतलब अर्थव्यवस्था का जो रीढ़ है वर्तमान में, पूछा जाए कि भाई नेपाल की जो इनकम है, जो आर्थिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था किससे चलती है, तो उनका टूरिज्म से ही चलती है, पर्यटन से, विदेशी पर्यटन वहाँ पे जाते हैं पर्यटक, इसीलिए उन्हें जैसे भारत जैसे देश के लिए वीजा मुक्त रखा है या पासपोर्ट नहीं रखा है, कि यदि पासपोर्ट वीजा बना दोगे तो पता चला कोई जाए ना तुम्हारे यहाँ घूमने, तो उन्हें कहा हमारे यहाँ घूमने आओ, तुम बिना पासपोर्ट के आ जाओ, बिना वीजा के आ जाओ, हमें घूमो आके, भाई घूमोगे तो रहोगे खाओगे, पैसा तो दोगे ना तुम, तो इसलिए वहाँ पर भारत के लोगों से बिल्कुल कुछ भी नहीं लिया जाता। एक अपना कोई आईडी कार्ड ले जाए, SSB चेक करी तो बताना होगा भैया हम यहाँ से, हम यहाँ जा रहे हैं, बात खत्म। अभी जाकर घूम घाम कहिए पूरा, अब जाओगे तो खर्चा वर्चा तो वहीं करोगे ना, सीधी सी बात है। तो उनके इनकम का एकमात्र स्रोत है वो क्या दिख रहा है, पर्यटन। बात सुना गए, इसीलिए जो है नेपाल के बहुत सारे लोग जो है भारत में चले आते हैं, जब वहाँ उनको रोजगार नहीं मिल पाता है भाई, सब थोड़े ना पर्यटन में जुड़ जाएंगे, तो वो लोग चले आते हैं कहाँ पे, भारत में। और जितने भी आउमिन चाउमिन ओमोज मोमोज ये सब बेचने वाले जितने हैं रेस्टोरेंट में, अनाने बनाने वाले, जितना भी चाइनीज फास्ट फूड बना रहा बंदा आजकल, ये अच्छा बनाने वाला हो तो सबरे क्या होंगे, नेपाली होंगे। बात समझ नहीं, हिंदुस्तान वाले तो बना ही नहीं पाते हैं, वो तो बस वैसे तुम लोग को उल्टे सीधे दे देते हैं, है ना, पता नहीं कहाँ भरी दें, लेकिन वो सब बनाते हैं तो ठीक बनाते हैं, उनका टेस्ट भी ठीक लगता है। यहाँ वाला बना देते तो पता नहीं उबालने का शौक ना ही है, चिड़िया गया है वो, चिमड़िया जाता है बिल्कुल, हाँ। कुछ जो मोमोज होते हैं बड़े फूले फूले टाइप के देखते हैं, हाँ, जो नेपाली जो बना रहे हैं उनको, उनका मोमोज देखना, उनका जो लेयर होगा वो पतला होगा, ऊपर जो जो उनको पैक करने वाला सिस्टम होता है वहाँ पे ज़्यादा मैदा नहीं होगा, और जो यहाँ का बना रहा होगा वो हाँ वो गुजिया टाइप में बना रहे, सर नीचे भर दिया पूरा, और ऊपर पता चलेगा जो है टोपी पहना है उसको, है ना, पूरा दर्द है खाने पर, पता चले कि उससे कम मजा, इसे बेकार हो जाता पूरा मजा। तो जो वो बनाते हैं ना वो सही बनाते हैं, तो कभी खाना हुआ करे आपको मोमोज, तो हाँ नेपालियों को देख ले कोई कौन बना रहा है यहाँ पे, तो बढ़िया मत, एक बनाते हैं यहाँ पे सर कहाँ पे, बम्बा के पास सीएनजी से पहले, यानी तुम लोग खाए हो उधर, है नहीं, एक दो बार हम भी खाए, हमें जब शौक सवार था शुरुआत में कि आखिर देखे क्या है ये, तब हमने एक बार जो है हमने खाए थे उसके यहाँ, तो टेस्ट फिलहाल उसका क्या है,
हाँ ठीक है, चटनी नहीं खाते हम तुम लोगों के तरीके से, अमुका अमुक एक के साथ दो प्लेट चटनी फिरी, हम तो देख के खा ले चटनी, इतना मतलब वो कड़ू होता कि हम उसे देख लेते तो हम समझ लेते हैं कड़ू वही है। ठीक, तो नेपाल समझ में आया, अर्थव्यवस्था का आधार पर्यटन है, और शेष भारत में उनको रोजगार के बहुत सारे अवसर मिलते हैं, तो भारत में लोग चले जाते हैं अपना रोजगार रोजगार करने। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं नेपाल, नेपाल में जो लोकतंत्र की स्थापना हुई संवैधानिक शुरुआत यहाँ पर हुई है 2008 से, जिस नेपाल है तो वहाँ पे संविधान का तंत्र या कह सकते हैं लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है 2008 से। तो पहले तो यही देख लें कि नेपाल में जो है लोकतंत्र की स्थापना, तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करा दीजिए, इतिहास वाले पोर्शन पे यही देखेंगे, तो नेपाल में लोकतंत्र बनेगा, और लोकतंत्र कब से है 2008 से, तो नेपाल में लोकतंत्र 2008 से। ठीक, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि बेसिक पॉइंट कुछ जानने होते हैं, जैसे कि राजधानी है, मुद्रा है ना, उसके बाद इनका पशु है, पक्षी है, हाँ ना, वृक्ष इनका देख सकते हैं, ठीक, संसद का नाम दे सकते हैं, इसके अलावा संसद हो गया, फिर पड़ोसी हो गए, झंडा हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये कॉमन चीज़ है, फिर विवाद, फिर आने संवादमान जो है उनकी बात करेंगे। चलिए, तो राजधानी बताना है, हाँ, तो कहाँ राजधानी इनकी, हाँ ये तो तुम्हें पता ही है, तो राजधानी कहाँ पे, काठमांडू में, तो राजधानी कहाँ चली जाएगी, काठमांडू चली जाएगी, तो राजधानी काठमांडू है। ठीक, इसके अलावा यदि मान लो पूछा जाता है तो मुद्रा नेपाली रुपया है, इनका रुपया हमसे सस्ता है, हाँ तो इनका रुपया जो है हमसे क्या है, सस्ता, करीब 6 के आसपास में आता, 6 गुने के आसपास में दिखाई देता है, जैसे एक का 6 बनता है वहाँ, हाँ तो वैसे ही है कुछ है, बात समझ में नहीं आई, तो मुद्रा जो है आपको मिल जाए कहाँ पे, तो मुद्रा इनकी क्या है, रुपया है। ठीक, कभी आपको पैसा ज़्यादा महसूस करना हो कि हमारे पास पैसा ज़्यादा है, तो कहाँ चले जाओ, नेपाल चले जाओ, तुम्हारा पैसा सीधे 1.5 गुने 2 गुने में तब्दील हो जाएगा, का है पहले ज़रा चेक कर लो एक बार, हाँ चेक कर लो, फिर उसको पता चलेगा अभी भाई, 50 का 59 हुआ तो 100 का, अब वो बना के तो देखो पहले कितना गुना जा रहा है, तो उसी के हिसाब देखो कितना परसेंटेज आ रहा है। ठीक, तो महसूस करना हो तो चले जाओ, मान लो चलो 1.5 गुना हो गया, कम थोड़ा ना है भाई, एक का 1.5 हो जा रहा, क्या चाहिए, मान लो जैसे यहाँ रहो तो कहो हमारे पे 1 लाख रुपये, जैसे नेपाल में जाना कर बेटा हमारे पास 1.5 लाख रुपये हो गया है, समझ में आई बात कि नहीं आई, तो ऐसा कहने के लिए तो पर्याप्त है। ठीक, तो मुद्रा समझ में आया कि नहीं आया, कौन सी, रुपया, धर्म कौन सा, धर्म बताइए जरा कौन सा धर्म है, नालायकों, अब बताओ नालायकों, भारत के अलावा यही एक ऐसा राष्ट्र है जो हिंदू राष्ट्र है, बौद्ध धर्म बताने पे लगे हैं नालायकों, यहाँ पर सबसे ज्यादा हिंदू हैं, तो इनका मुख्य धर्म कौन सा है, हिंदू धर्म है, लिख लियो, ऐसा ही होता पेपर में, तुम और बता दें, पेपर में ऐसा ही होता, पेपर क्वेश्चन तो ना कठिन था ये, लेकिन वही है कि हमारे दिमाग में गोबर भरा है, तो हम आंसर भी तो वैसे ही देंगे, आज जबकि तुम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि अभी हमने बोला भी था, अभी भी तुम्हारे दिमाग में है कि भारत के अलावा एकमात्र हिंदू राष्ट्र पूछा जाए तो नेपाल आंसर लगाते हो, तो हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया, बौद्ध धर्म के कारण हिंदू राष्ट्र हो गया, तो हिंदू धर्म वहाँ पर पशुपतिनाथ मंदिर है भाई काठमांडू में, प्रसिद्ध शंकर जी का मंदिर है, लोग विश्व भारत के लोग भी, अदर देशों के लोग भी जो शंकर के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, पशुपतिनाथ मंदिर जाना शुभ मानते हैं, बात समझ के नहीं आई, तो धर्म बता देना हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म, पशु बताओ जरा, तो पशु कौन सी है, हाँ गाय है, तो यहाँ का मुख्य पशु यदि आपसे पूछा जाए तो बता देना गाय, तो यहाँ का राजकीय पशु जो है गाय, हम लोगों ने मतलब राष्ट्रीय, हम लोग देखो गाय को नहीं राष्ट्रीय बना पाए, लेकिन इन्होंने राष्ट्रीय बनाया है, इसको बोलते हैं हिंदुत्व का मुद्दा, या हिंदू बोलना या हिंदू कहना, हमारे यहाँ क्या केवल मुँह से कहते हैं कि हम हिंदू हैं और गाय माता का क्या करते हैं, हाँ रक्षा करते हैं, और हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं, गो भक्त हैं, दुनिया भर की फर्जी की बातें, ठीक, फोटो वोटो भी खिंचवा लेते हैं, कई बार मोदी तभी 14 तारीख फोटो खिंचवाए थे गैयन के साथ बैठे बैठे,
नहीं देखी तुम लोगों ने? अरे अखबार देख लिया करो। तो अखबार में जो है तीन चार गैया हैं, उनके साथ बैठे हैं मोदी जी और फोटो खिंचा, बतिया रहे होंगे अपनी भाषा में कुछ ठीक। तो उन्हें फोटो खिंचवाई। अरे जब तुम्हें इतना ही गैया से लगाव है, इतना ही प्रेम है, इतने ही तुम बड़े गौ भक्त हो, तो काहे नहीं उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करा दे रहे हो? क्या दिक्कत है भाई? भाई राष्ट्रीय पशु यदि घोषित कर दिया जाएगा तो गाय को काटने पर, मारने पर, किसी प्रकार के हानि पहुंचाने पर सीधे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, रासुका तुरंत लग जाएगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में गैया को कौन काटता है, उसको हम काट डालें। नहीं समझ में आया तुम्हें? तो ये केवल दिखावा है। ये जिसने गाय को कह दें कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, आधी बीजेपी खाली खाली हो जाएगी, क्योंकि पूरा पूर्वांचल मतलब वो वाला पूर्वोत्तर राज्य गाय खाता है, पूरा दक्षिण भारत गाय खाता है। और यदि आप कहते हैं कि हम गाय को नहीं खाने देंगे तो यही इनके जो पार्टी वाले वहीं क्या हो जाएंगे? विरोधी हो जाएंगे। समझ में आई बात? इसीलिए केवल उत्तर प्रदेश में आते आते गाय हमारी माता हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले तो देख लो तुम ही शाकाहारी हो, तुम नहीं खाते हो। तो यहाँ पर मामला क्या है कि उत्तर प्रदेश में आते आते गाय क्या हो जाती? माता हो जाती, और शेष भारत में खाता हो जाती। आगे ध्यान दो, तो उत्तर प्रदेश में गाय माता और पूरा देश, बस यही याद कर लो। आगे ध्यान दो, पशु हैं नेपाल की, है ना? हाँ, कहाँ खाते हैं? राष्ट्रीय पशु हो गए भैया, आप नहीं खाए हैं? वो चाइनीज होगा वो, या उसका टच उधर से होगा, पूर्वांचल जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, ये जितना पश्चिम बंगाल के बाद वाला राज्य है, उन सभी राज्यों में गाय खाई जाती है। बात समझ के नहीं है? वहाँ पर बड़ी मात्रा में खाते भी हैं। वो बीजेपी का कोई नेता था मेघालय वाला, उसने ही कहा था, बीच में लोगों ने टिप्पणी करी थी तो उसने कहा कि देखिए आप हमारे भोजन पर टिप्पणी नहीं कर सकते, आप जो आपका भोजन आपका, हमारा भोजन हमारा है। तो वो बीजेपी का प्रवक्ता था, उसने कहा मैं हमारे यहाँ का मुख्य भोजन है गाय, तो हम खाएंगे, आप उसमें कोई रोक टोक हमको नहीं लगा सकते। उधर की बात, क्योंकि वो पता था कि यदि वो रोक टोक लगाएंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, सरकारें उनकी चली जाएगी। ये वाला मामला है। तो पशु समझ में आ गया, वृक्ष बताओ। तो वृक्ष कौन सा है? हाँ, तो तुम्हारा है बरगद, तो इनका है, हाँ इनको जरूर याद कर लेना कि हम लोगों का पीपल बरगद है, तो इनका क्या है? पीपल है। तो पीपल इन्होंने अपने यहाँ का राजकीय वृक्ष मान रखा है। तो धर्म हो गया पशु और वृक्ष। पशु की बात कर लीजिए, पशु तो हो गया पक्षी, पक्षी पूछे पक्षी, मुनाल है, हिमालयी मुनाल। तो मुनाल जो है उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है, तो मुनाल जो है यहाँ पाया जाएगा, और मुनाल कहाँ पाया जाएगा? उत्तराखंड में। तो मुनाल को याद रखिएगा, मुनाल जो है उत्तराखंड का भी राज्य पक्षी है और जो है नेपाल का भी राष्ट्रीय पक्षी है मुनाल। पुष्प बता दीजिए, तो यह है बुरांसी। तो पुष्प पूछा जाए तो आप बता सकते हैं बुरांसी। ये एक प्रकार का औषधीय पौधा है जो हिमालयी क्षेत्रों में ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। तो बुरांसी यान इनका क्या है? पुष्प है। पक्षी मोनाल दिखा आपको, वृक्ष पीपल हो गया, पशु कौन हो गई? गाय। धर्म कौन सा हो गया? हिंदू हो गया। खेल क्या है? खेल क्या है इनका? तो इनका खेल है वॉलीबॉल। कबड्डी एक ही जगह का है, बांग्लादेश वाले, बताया तो था तुम लोगों को कि बांग्लादेश वाले क्या खेलते हैं? कबड्डी। तो बांग्लादेश में कबड्डी 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 होगी, ठीक। तो बांग्लादेश वाले क्या खेलेंगे? कबड्डी खेलेंगे, जबकि बात होगी किसकी? नेपाल वाले तो वॉलीबॉल, और श्रीलंका वाले भी तो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो श्रीलंका और नेपाल दोनों का जो खेल है वो क्या है? हाँ, वॉलीबॉल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। संसद, तो इनकी संसद का नाम क्या हो जाएगा भाई? हाँ, तो ये संसद है राष्ट्रीय पंचायत, तो इनकी संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। क्लियर हो गया? तो इनकी संसद आप यदि देखते हैं तो बता देंगे कि इनकी संसद कौन सी है, तो राष्ट्रीय पंचायत, ठीक। तो राष्ट्रीय पंचायत हो गई। झंडे की बात करिए, है ना, झंडा। तो झंडा में बात करेंगे आधार, डबल त्रिभुज है, बैकग्राउंड रेड कलर में जाएगा, हाँ, मतलब आधार में आप बता सकते हैं कि जो है आकार उसका कैसा है, त्रिभुजाकार है, दो त्रिभुज बने हैं,
ठीक, तो आधार में बता देना रेड कलर पे दो त्रिभुज। और चित्र कौन सा भाई? हाँ, तो जो चित्र हैं उस पे दो तरीके बने हैं, एक चक्र बना है और एक उगता हुआ सूर्य बना है। तो सूर्य बना है कुछ इस तरीके से, जैसे आप लोग बनाते रहते हैं, जैसे आधा सूर्य बनता है इस तरीके से। एक तो ये बना है ऊपर वाले तिकोने पर, यही बना है, और नीचे वाला जो तिकोना है उसमें चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चक्र बना हुआ है, इस तरीके का है। समझ में आई बात तुम लोगों को? तारा नहीं है, चक्र है नालायक, तारा। तो यहां पर क्या बना है? चक्र बना हुआ। तो ध्यान रखना, तो एक उगता हुआ सूर्य और बता सकते हैं चक्र, दो चीजें बनी हुई है। किस पे? नेपाल के तिरंगे पर तिकोना है, बासमा के दो तिकोने हैं, ऊपर वाले तिकोने पर सूर्य, नीचे वाले तिकोने पर चक्र है। तो ये इनका तिरंगा है। हाँ, तो वैसे लिख लो, बना लो, सूर्य और चक्र लिखो, उगता हुआ सूर्य और चक्र, आधार लाल रंग में। क्लियर हो गया? ठीक, अब पड़ोसी देख लो, नेपाल से हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं, कौन कौन से राज्य लगते हैं? तो देखो, उत्तराखंड तो लगेगा ही लगेगा, उत्तर प्रदेश लगता ही लगता है, बिहार तो लगभग सीमा अपनी शेयर करेगा ही करेगा, उसमें कोई दराय नहीं। अब पश्चिम बंगाल सीमा शेयर करेगा और उधर से सिक्किम करेगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे यूके अर्थात उत्तराखंड, यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद से आ जाएगा पश्चिम, और फिर आ जाएगा कौन? सिक्किम। बस आ गई कि नहीं आ गई? तो ले लोगे यूके बराबर उत्तराखंड, और यूपी बराबर उत्तर प्रदेश, बीएच बराबर बिहार, पीवी बराबर पश्चिम बंगाल, और एसके बराबर सिक्किम। लिख लो फटाफट इनको, जरा पांच हैं। अच्छा ये बताओ कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले जो है नेपाल से लगते हैं? कितने जिले लगते हैं? सात जिले लगते हैं। अब मामला ये है कि जो सात जिले लगते हैं कितनी सीमा है उनकी, मतलब नेपाल से उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगती है, ये बताना तुम लोगों को। अरे उत्तर प्रदेश की हम पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा कितनी है? 500। बताया था तुम लोगों को लॉजिक क्या? 579। एक एक छोड़ के हमने कहा था नेपाल की सीमा याद करना, तो कैसे याद करोगे? 579। तो इस तरह से याद करा जा सकता है, 579। नहीं पढ़े होंगे तो बता देंगे उसको, तो 579। जैसे तुम्हें नेपाल की बात है तो 579 कर देना, एक अंतराल पे तीनों धर देना, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो 579 क्लियर हो गया। ऐसे ही हमने विराट कोहली के रन बताए थे, कितने बताए थे? हाँ, उल्टा बता दिया था, 7-6-5। तो तरीके दिमाग में भरिए, रटने से तो तुम भूले जाओगे। तो 579 है, 7-6-5। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम जरा। तो ये पड़ोसी क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? बता लोगे पड़ोसी तक? चलो अगला देखते हैं, पड़ोसी हो गया, अब प्रधानमंत्री और उसके बाद से राष्ट्रपति। तो आइए बात करते हैं पीएम की और फिर राष्ट्रपति की। तो प्रधानमंत्री कौन है भाई? तो ये हैं पुष्प, कमल, दहल और साथ में बोल सकते हैं प्रचंड। ठीक, तो ये है पुष्प, कमल, दहल, प्रचंड। तो याद करिए, तो प्रधानमंत्री है, पास से पीएम, पास से प्रचंड। तो पुष्प कमल आता, ये माओवादी रहे हैं पहले, माओवादी नेता रहे फिर जीते, तो आप प्रधानमंत्री हैं इस समय। तो पुष्प, कमल, दहल, प्रचंड, पहले माओवादी नेता अब है वहां के प्रधानमंत्री। पुष्प, कमल, दहल, कुछ ना याद है तो प्रचंड याद कर लेना। तो पीएम कौन है? प्रचंड है। अब प्रेसिडेंट कौन है? तो यहां पर मिलेंगे रामचंद्र पौडेल। तो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। ठीक,
तो ध्यान रखना है उधर कौन है, तो उधर प्रचंड है, इधर कौन है, तो पौडेल है। तो प्रधानमंत्री प्रचंड हो गए और प्रेसिडेंट का हो गए पैदल हो गए, ठीक। तो ये पैदल है वो प्रचंड है, तो याद कर लो प्रचंड और पौडेल। उपराष्ट्रपति तो राम प्रसाद अने राम सहाय प्रसाद यादव या राम सहाय यादव बोल सकते हैं, लेकिन जरूरत उनकी नहीं मत लिखो, वो उप हैं, ऊपर से यादव हैं, ऊपर से बिहारी हैं। राम सहाय प्रसाद और साथ में लिख लेना क्या यादव, ये जितने वहां दिख रहे हैं ना तुम्हें हिंदू नाम, वो सब रे बिहारी हैं, क्योंकि अधिकांश तराई क्षेत्र पर कब्जा किसका है, हाँ बिहारियों का है, ठीक। नाम मत लिखो, काय चक्कर में पड़ो, बस दो नाम याद करो, पुष्प कमल दयाल प्रचंड और रामचंद्र पौडेल, बस इतना याद रखो। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के हम लोगों ने कवर करा बेसिक पॉइंट, बेसिक पॉइंट याद रहेगा कि नहीं रहेगा? कब लोकतंत्र बना था वहां पे, कब लोकतंत्र हुआ, राजधानी कहाँ है, मुद्रा मुद्रा क्या है, हाँ नेपाली रुपया, पशु वृक्ष और उसके बाद से पक्षी, पक्षी मुनाल और पेड़ पीपल, धर्म हाँ तो धर्म कौन सा हो गया, हिंदू हो गया, संसद राष्ट्रीय पंचायत, तिरंगे में क्या दो त्रिभुज और उसके बाद बोलोगे चमक उगता हुआ सूर्य और चक्र, ठीक। पड़ोसियों में हाँ बस वैसे याद कर लेना यूके यूपी बीपी हाँ ना, और भी बना लेना बी एच उसके बाद से पी बी और एस के, तो इसको याद कर लेना, फिर उसके बाद यही आ जाएंगे प्रचंड और दूसरे पौडेल, तो इतना तो बता ही सकते हो। अब मामला बनता है कि हमारा जो इनसे विवाद है, तीन चीजों को लेके विवाद है यहाँ पे, ठीक। एक तो है काला पानी लिम्फिया धूरा विवाद, एक है लिपुलेख विवाद, लिपुलेख दर्रा विवाद, और एक यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो है मधेसी विवाद। तो चलिए विवाद लिखिए, तो भारत और नेपाल के बीच के विवाद, उसमें लिखो सबसे पहला काला पानी, जगह का नाम है ये काला पानी लिम्फिया धूरा, हाँ तो काला पानी लिम्फिया धूरा विवाद, हाँ धूरा, तो काला पानी लिम्फिया धूरा विवाद पूछेगा, आप पूछेगा भैया इसका स्थान बता दो कहाँ पर है, हाँ तो बता देना ये कहाँ पर है, उत्तराखंड पे, तो ये उत्तराखंड में पड़ेगा। और दूसरी बात यदि आप बताना चाहते हैं तो विशेष में आप वही बस लिख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है कि नेपाल इस पर अपना अधिकार जताता है या कब्जा बताता है, ठीक। तो विशेष में आप वही दिखा सकते हैं या विवाद का कारण बता सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए, नेपाल द्वारा इसे अपना अधिकार जताया जाता है। तो नेपाल ये कहता है कि काला पानी लिम्फिया धूरा किसकी सीमा है, मतलब किसके क्षेत्र में है, हमारे क्षेत्र में है। जब भी ऐसी बात होगी तो सीधी सी बात है क्या, विवाद तो बनेगा ही बनेगा। तो काला पानी लिम्फिया धूरा कहाँ पर है, हाँ तो बता देना कि भैया उत्तराखंड में है, लेकिन नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाया करता है काला पानी लिम्फिया धूरा। फिर आ जाएगा वही कौन, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा कल भी चर्चा में आया था, तो स्थिति तो सबको पता ही है कहाँ पर है, हाँ उत्तराखंड में है। तो स्थिति इसकी उत्तराखंड दिखा दीजिएगा, यहाँ पर भी वही मामला है कि नेपाल कहता है कि लिपुलेख दर्रा हमारा है, हाँ तो विशेष में लिखिएगा, बताया भी था हमने कल, विशेष ये है कि यहाँ से कैलाश मानसरोवर के लिए क्या मिलता है, हाँ यात्रा के लिए शॉर्टकट रास्ता यानी कि है ना छोटा रास्ता प्राप्त होता, तो लिख लीजिएगा विशेष में कैलाश मानसरोवर के लिए या कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ठीक, छोटे रास्ता या कह सकते हैं कि जो है सुगम रास्ता प्राप्त होता है, सुगम छोटे की जगह पे सुगम, तो लिख सकते हैं यहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सुगम रास्ता प्राप्त होता है, इसमें दूरी भी घटती है और दिन भी घटता है, और प्लस यहाँ से जाना कैलाश मानसरोवर क्या है आसान है, बुजुर्ग और वृद्ध लोग भी जा सकते हैं इसके माध्यम से, बासमाई नहीं, और शेष जो माध्यम है वहाँ से कहीं ना कहीं जाना क्या है दुष्कर भी है, दिन भी समय लगता है ज़्यादा कठिन भी रहता है। तो लिपुलेख दर्रा के लिए भारत और चीन ने समझौता किया था कि हम आपको जो है लिपुलेख दर्रे से कैलाश मानसरोवर जाने की अनुमति देते हैं, चीन ने दे दिया, और जब चीन ने अनुमति दे दी तो इसने नेपाल ने उसमें अड़ंगा लगा दिया कि चीन की अनुमति देने से क्या होता है,
ये हमारा है, पहले किससे अनुमति लो, हमसे लो, हमको भी कुछ दो और फिर उधर जाओ। कि भाई जब आप यात्रा करेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, टैक्स आदि तो इनको जुड़ेगा ना, जुड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमको भी दो तब हम तुम्हें क्या करेंगे, जाने देंगे। तो ये लेकर के विवाद चल रहा है, क्लियर हो गई बात। तो ये लिपु लेकर दर्रा हो गया। और तीसरा है मधेसी, मधेसी विवाद लिखो। ये मधेसी विवाद पूछेगा, ये क्या है भाई, तो तुमसे अगला पूछेगा मधेसी विवाद। मधेसी पूछे जाएंगे, कहां पे पाए जाते हैं भाई मधेसी, स्थिति बताइए। तो आप इसे बोलेंगे नेपाल का तराई क्षेत्र, जो 12 जिले हैं वहां पे पाए जाते हैं। तो नेपाली तराई क्षेत्र में पाए जाएंगे ये, कहां पाए जाएंगे, नेपाली तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। तो नेपाली तराई क्षेत्र लगभग 12 जिले में पाए जाते हैं ये लोग। तो नेपाली तराई क्षेत्र, अगला जो क्वेश्चन है यदि पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आखिर ये लोग हैं कौन, पहले ये समझिए। तो स्वरूप में दिखा दीजिए, है ना, स्वरूप। और इसमें दिखा दीजिएगा ये भारतीय मूल के कौन है, या खास करके बिहारी मूल के, भारतीय में भी कौन है, बिहारी हैं सब। तो बिहारी मूल के नेपाली नागरिक हैं, कौन है मधेसी, बिहारी मूल के नेपाली, नेपाली नागरिक मतलब बिहार के लोग हैं, उन्होंने जाकर तराई क्षेत्र पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और वहीं पर रच बस गए, वहाँ की नागरिकता भी प्राप्त कर ली है। हाँ, तो इन्हें बोला जाता बिहारी मूल के नेपाली नागरिक। और इनका खास बात यह है कि नेपाल की राजनीति में इनका बहुत रोल है, इन्हीं के जो है वोट से सरकार बनती है या गिरती है, इसलिए इनका बड़ा महत्व है। फिर वहाँ कहीं ना कहीं नेपाली जो मूल के लोग हैं, मूल रूप से नेपाली हैं, और इनमें कहीं ना कहीं झगड़ा होता रहता है अधिकारों को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। तो फिर बाद में 2008 में जब संविधान बना तो वहाँ पर क्या किया गया कि जो इनके 12 जिले हैं बंटवारे में ऐसा बांटा गया कि इनकी सरकारें न बन पाएँ, किनकी, मधेसियों की। तो ऐसी स्थिति में मधेसियों ने पूरे नेपाल में आगजनी कर दी और इधर से पूरा जो है चक्का जाम कर दिया, क्योंकि पूरा मधेसी जो है कहाँ है, बॉर्डर पर है, और इधर से कोई सामान नेपाल में जाएगा तो इधर ही से। तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा चक्का जाम कर दिया था, उसमें बड़ा आगजनी हुई थी, काफ़ी जो है नुकसान हुआ था। फिर बाद में मामले को सुलझाया गया, बात समझ गए नहीं। तो इसी विवाद को बोलते हैं क्या, मधेसी विवाद, समझ में आ गया। तो तीन विवाद हैं, काला पानी, लिंपिया धूरा, लिपु लेख और मधेसी। ये किससे चलता है, नेपाल से विवाद चलता है। आते बोलो, तुम्हें समझने की क्या जरूरत है, पूरी कहानी खत्म हो गई। अभी क्या बताया अन्नालायक, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं मधेसी लोग, कि जो है हमारे अधिकार को क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाए, हमें बंटवारा न किया जाए। तो वही लोग लड़ते हैं। अब ये चूंकि बिहार से लोग कहें बिहारी हैं, तो भारत सरकार उनका क्या करती है, सपोर्ट भी तो करेगी। भाई सीधी बात है, बिहार के लोग हैं तो उनका सपोर्ट भी तो करेगी। बात कोई नहीं सपोर्ट करते, बिहार सरकार तो करेगी, करेगी सपोर्ट। बात समझ में नहीं आई, तो ये क्लियर हो गया मधेसी वाला। तो ये तीनों खत्म होता है, अगले पोर्शन की तरफ हम बात करेंगे। और अगला यदि देखा जाए तो नेपाल से भी हम लोग रेल लिंक से जुड़े हुए हैं, बात समझ में नहीं। खास करके जो बिहार से कई ट्रेनें हैं, खास करके अभी यात्री ट्रेनें तो नहीं हैं, लेकिन जो सामान वाली ट्रेनें हैं, मालगाड़ियां हैं, वो चला करती हैं, ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जो नेपाल से जो है दो नदियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश में भी आती हैं, कौन कौन सी, तो एक होती है शारदा नदी, कौन सी आती है तुम्हारे यहाँ, शारदा नदी आती है जो नेपाल से ही तुम्हारे यहाँ आती है। और एक नदी और भी बहुत चर्चित है जिसका नाम गंडक, गंडक भी नेपाल से आती है और कहाँ प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हैं। नदी तो पढ़ाई नहीं तुम्हारे बच में भी, हाँ तो जब पढ़ाएंगे तो इसको लिखाएंगे। तो शारदा नदी जो है पीलीभीत से एंट्री मारती है, कहाँ से मारती है, पीलीभीत से एंट्री मारती है। और शारदा को पाके जो नेपाल वाला एरिया है वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ काली नदी बोलते हैं उसको। तो नेपाल में वो काली नदी नाम से जानी जाती है। फिर जब ये तुम्हारे एंट्री मारती है उत्तर प्रदेश में तब शारदा होती है। और फिर जब अयोध्या के आसपास में आ जाती है तो उसी का नाम सरयू नदी पड़ जाता है। और वही सरयू जब बिहार की तरफ जाती है तो उसका नाम घाघरा नदी पड़ जाता है। समझ में आई बात तुम लोगों को। और चूंकि अयोध्या उसी के किनारे है, सरयू नदी का चर्चा होना तो स्वाभाविक है। तो सरयू नदी कहाँ से निकलती है पूछा जा सकता है। तो नेपाल से काली नाम से निकलती है, फिर शारदा बनती है, उसके बाद सरयू बनती है, फिर बिहार में जाके घाघरा बन जाती है। और फिर गंडक नदी से तुम लोगों को कुछ लेना देना नहीं, वो हमारे एरिया में बहती है,
बात समझ गए नहीं, महाराजगंज से एंट्री मारती, बात समझ गए, कहाँ से, महाराजगंज से एंट्री मारती है और फिर उसके बाद से जो है क्या बोलते हैं, महाराजगंज से एंट्री मारती है देवरिया जिला होते हुए फिर हमारे जिले में घुस जाती है यानी गोपालगंज में चली जाती है, बस में तो महाराजगंज से एंट्री मारेगी देवरिया जिला घूम जाएगी और उसके बाद सीधे कहाँ चली जाती है, बिहार में चली जाती है। जैसे हमने बताया कि हमारे घर से गंडक जो है 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर है, ये बात पता है तुम लोगों को, नहीं पता है। हाँ तो गंडक नदी को सदा नीरा नदी भी कहा जाता है, किसमें, वेदों में, तो वेदों में उसे क्या कहा गया, सदा नीरा नदी। तो ये नदियाँ हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत आप क्या करेंगे, जानेंगे समझेंगे, ठीक। तो चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, समझ लेते हैं पूरी बात इसमें। अब यदि हम लोग देखें तो जो है अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला जो है कौन सा भाई, तो ये तो मान लो विवाद वाला मामला था, और युद्धाभ्यास देखेंगे, कौन सा देखेंगे, युद्धाभ्यास, तो लिखिए जरा युद्धाभ्यास। तो भारत नेपाल का युद्धाभ्यास कौन सा है, सूर्य किरण, तो लिख लीजिए भारत और नेपाल के मध्य युद्धाभ्यास। हाँ तो भारत और नेपाल के मध्य कौन भाई, युद्धाभ्यास। तो भारत नेपाल के मध्य यदि युद्धाभ्यास आपसे पूछा जाता है, ठीक, तो भारत और नेपाल के मध्य युद्धाभ्यास, क्या नाम है उसका, सूर्य किरण है, क्या है, सूर्य किरण। तो सीधा सीधा बता सकते हैं कि उसका नाम क्या है भाई, सूर्य किरण है, सूर्य किरण, ठीक। तो ये हो जाएगा कौन सा किरण, सूर्य किरण हो जाएगा, जहां पे सूर्य का किरण नहीं निकलता वो नेपाल है, तो भारत नेपाल बराबर क्या बता सकते हैं, सूर्य किरण बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा, भारत और नेपाल का मामला, क्लियर हो गया। अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अगले पोर्शन की तरफ जा सकते हैं, अगला कौन सा भाई, तो अगला हम लोग भूटान के पास पहुंचे, कहाँ पहुंचेंगे, भूटान, चलिए भूटान चलिए, फिर म्यांमार चलिए, फिर श्रीलंका चलिए, अफगानिस्तान भी समझिए, तो कहाँ चलना है, भूटान पहुंचिए। अच्छा उसका आधिकारिक नाम तो तुमने लिखा ही नहीं नेपाल का, तो क्या नाम है, आधिकारिक नाम तो तुमने लिखा ही नहीं, नेपाल का आधिकारिक नाम बताओ जरा, हाँ नेपाल का आधिकारिक नाम, तो उसका नाम है फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, जरा लिख लो नाम उसका बड़ा है, फेडरल, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, पहले लिखो फेडरल, फिर लिखो डेमोक्रेटिक, फिर लिखो रिपब्लिक, और उसके बाद लिख लो ऑफ और फिर नेपाल, तो तीन शब्द लिखने हैं तुम्हें, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, बात खत्म हो गई, क्लियर हुआ। तो क्योंकि देखो अभी ये फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, आगे जब जाओगे तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ श्रीलंका मिलेगा, तो शब्दों का हेर फेर बदल हो जाता है और नाम आधिकारिक बदल जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। भूटान है इसीलिए हमको याद आ गया कि क्योंकि अभी तुम्हें भूटान का भी आधिकारिक नाम बताने वाले हैं, तो अब भूटान की बात करते हैं, तो भूटान को समझते हैं भाई। तो भूटान का जो कॉन्सेप्ट है, पहली बात तो ये है, अच्छा एक नेपाल में एक संधि भी है, नेपाल वाले में एक संधि भी है, कौन सी संधि, संगौली की संधि, तो जरा उसको भी क्लियर करो फिर भूटान पे आओ। हाँ एक संधि है, वो इम्पोर्टेंट संधि है, कई बार पूछा जाता है, तो एक संधि लिखो जरा, हाँ उसी में भूटान से ऊपर ही लिखना है, भूटान हेडिंग डाल दिया हो तो संगौली पहले लिख लेना नोट डाल के, हाँ नेपाल वाले में ही एक संधि है जो उसको समझना है, कौन सी संधि, हाँ संगौली की संधि, इम्पोर्टेंट है कई बार पूछी जाती है, तो संगौली की संधि, सबसे पहले पूछा जाएगा संगौली की संधि हुई कब थी, तो ये जो हुई थी 1816 में हुई थी, और संबंधित तो आपको समझ में आ ही गया होगा, तो यहाँ पर ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में हुआ था, तो संबंधित यदि आपसे पूछा जाए तो बता देना कि किसके किसके बीच में, तो ब्रिटिश भारत तथा नेपाल के बीच में, तो ब्रिटिश भारत तथा नेपाल के बीच में हुआ था, कौन सी संधि, संगौली की संधि, तो ब्रिटिश भारत तथा नेपाल के बीच में कौन सी संधि बता दोगे, संगौली की संधि, ठीक। उस समय भारत का जो वायसराय हुआ करता था कौन था, वायसराय कौन था उस समय, तो उस समय थे लॉर्ड हेस्टिंग, 1813 से लेकर 1823 तक रहा था, उसी ने मराठों को भगाया था वहां से, कहां से, पुणे से,
और उसी ने जो है नेपालियों को भी संधि करने पे मजबूर किया था, उसका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग। तो संबंधित बता देना ब्रिटिश भारत तथा अंग्रेज। इस संधि की विशेष बात है जो पूछी जाती है, क्या विशेषता है भाई? संधि विशेष। तो संधि की विशेषता यह है कि जो आप लोग जानते हैं कि भारत में जो एक गोरखा रेजिमेंट रखी जाती है, तो गोरखा रेजिमेंट वाला कॉन्सेप्ट यहीं से आया था। बासमा की नहीं आई तो लिख लीजिएगा जरा, भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के स्थापना का प्रावधान किया गया या संधि की गई। भाषण आ गई तो इसमें क्या बताओगे? तो भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के गठन का प्रावधान किया गया था। कौन सी संधि में? संगौली की संधि में। भाषण आ गई तो संगौली की संधि में हुआ कि भाई भारतीय सेना में कौन सम्मिलित होगा? गोरखा रेजिमेंट। आज भी तो आपको पता ही है कि भारतीय सेना में एक रेजिमेंट है, कौन सी? हाँ, गोरखा रेजिमेंट है, तो उसको आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारी संगोली संधि पूछा जा सकता है गोरखा रेजिमेंट के बारे में, और संगोली संधि किसके किसके बीच में हुई थी ये पूछ सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ से खत्म हो जाएगा, अब अगले पॉइंट की तरफ आएंगे। हाँ हाँ बताओ, कौन किसकी आत्मा बढ़ा रही? हाँ बताओ। नहीं तुमने अचानक बोला ऐसे लग रही तुम्हारी आत्मा जो है बिल्कुल त्रस्त हो गई है। हाँ बताओ, किसने बोला है? तुमने बोला किसने? हाँ बताओ क्या है? तो क्या मतलब अचानक तुम्हारा मतलब कौन सा मतलब छुड़ैल उलते ना ही आगे एकदम बिल्कुल? हाँ भाई ऐसा कुछ हो तो दिक्कत टेंशन ना लो, हमको छुड़ैल देख भाग जाती है। हाँ हम बिहारी आदमी हैं बहुत, और छुड़ैल तो बिल्कुल हमारी नज़र आ ही नहीं सकते हमारे इर्द गिर्द, वो भाग जाते हैं देख के हमको। ठीक चलो तो अगला देखना कौन सा, भूटान की बात करते हैं भाई। भूटान, भूटान में यदि देखा जाए तो सीधा सीधा है, भूटान की जो है बात करें कि भाई इसमें जो है पहले तो इसका आधिकारिक नाम राजधानी मुद्रा, पहले राजधानी मुद्रा से शुरुआत करिए फिर बात करते हैं। तो भूटान, तो भूटान में सबसे पहले बात होगी राजधानी की। राजधानी तो सबको पता ही होगी कौन सी है? थिम्पू है। तो राजधानी चली गई थिम्पू। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि इसकी राजधानी बता दीजिए, तो राजधानी बता देना थिम्पू। फिर पूछा जाएगा इसकी मुद्रा क्या है, तो मुद्रा का नाम है न्यू गुल्ट्रम। तो न्यू गुल्ट्रम, तो यहाँ की मुद्रा हो जाएगी न्यू, है ना, न्यू गुल्ट्रम। तो न्यू गुल्ट्रम इसकी मुद्रा है। उधर टान है, इधर ट्रम है। भूटान में टान, मुद्रा में ट्रम। अब क्या भूटान और ट्रम, तो भूटान में टान है, मुद्रा में ट्रम है। टान ट्रम याद कर लो ना समझ में आए तो टान ट्रम। फिर उसके बाद से बात करते हैं इसके जो है वही है, सारे सारे जो है पशु पक्षी इनको समझना शुरू करते हैं। तो इनका जो पशु है वो क्या है? पशु क्या है? ताकिन। ठीक, तो इनका पशु जो है कौन है? ताकिन। हाँ, बकरे की एक प्रकार की प्रजाति है, लेकिन उसे बोला क्या जाता है? ताकिन। हाँ, तो बकरे की एक प्रजाति वहाँ पे ताकिन। हाँ ताकिन, तो भूटान में ताकिन। कहाँ ताकिन? हाँ भूटान में ताकिन। ठीक, तो बात समझ में नहीं है, तो यहाँ बताना है कि भूटान में क्या करना है। हाँ ताकिन है, क्या कर ली ना, ताकिन है। और पक्षी को किसको ताकिन? हाँ तो पक्षी जरा ध्यान रखना, तो पक्षी कौन इनका? कौवा है। अंग्रेजी में क्या लिखा होता है? रेवन लिखा होता है, रेवन। क्रोनाई, हाँ रेवन उसका सही शब्द है। अभी हम पढ़ा रहे थे उधर बर्रा वाले ब्रांच में, तो एक हमने पूछा कौन, तो कह रहे रेवन। हमने कहा रेवन नहीं है, कौवा है। तो बहुत देर तक सोचती रही वो कि क्या बोल गए, तो हमने बताया कि जो है कौवे को ही रेवन बोलते हैं। मतलब उसको ये नहीं पता था कि रेवन को कौवा बोलते हैं, कौवे को रेवन बोलते हैं। बात को समझ आई? ऐसे तुम लोग कौवा को जो है क्रो बोल रहे हो, वहाँ क्रो नहीं लिखा होगा, वहाँ अंग्रेजी में क्या लिखा होगा? रेवन। और हिंदी में क्या लिखा होगा? कौवा लिखा होगा। भाई किसको ताकिन? कौवे को तो ताक सकते हो भाई, कहा जाता है कौवे को क्या करते थे ना? हाँ ताके रहना, मतलब गड़बड़ ना करे, है ना। तो कौवा को ताकिन। अच्छा कौवा जो है इनको इसलिए माना जाता है, ये माना जाता है कि जब इनके ऊपर तिब्बतियों ने हमला बोला था तो कौवे ने इनको सूचित किया, या कौवे के माध्यम से ये लोग क्या हो पाए थे? बच पाए थे, इसीलिए ये लोग जो है इसको सम्मान देते हैं। बस मैं कि नहीं, तो
भूटान, भूटान के लोगों को तिब्बत के आक्रमण से बचाया था किसने? हाँ, कौओ ने, तो इसलिए कौवा इनका जो है क्या हो गया, पक्षी हो गया। इनका जो मुकुट है, मुकुट, तो मुकुट के बीच में कौवा बना है, कभी अभी देखना जाएगा, सर्च करके देखना, तो इनका जो मुकुट बना है, मुकुट के बीच में कैसे जो है उठा कर दिखाएगा, चोंच दिखाया जाएगा, उसका मुंह दिखाया जाएगा बाद में, तो इनके मुकुट में कौवा बना हुआ, कौवे का चोंच और जो है मुंह बना हुआ दिखेगा तुमको, समझ आए हो? तो जिसको तुम लोग सबसे बेकार मानते हो, आपने माना जाता है बेकार पक्षी है, इनका देख लो इनका क्या है। हाँ, तो इनका जो है राष्ट्रीय पक्षी है भी है कौवा, ठीक। अब पक्षी हो गया, पुष्प कौन सा भाई? हाँ, तो ध्यान रखो यहाँ पर है ब्लू पापी, पोपी भी लिखा होता, तो ब्लू पोपी या पापी, ठीक। तो ताकिन कौआ पापी, क्या करी ताकिन कौआ? हाँ, बस ये याद करो, ना समझ में आते याद करें, ताकिन कौआ पापी भूटान में है, तो ताकिन कौआ पापी जो है कहाँ पर है? भूटान में आ जाएंगे। फिर उसके बाद से यदि हम लोग बात करें तो इनका खेल देख लेते हैं, है? तो भाई सीधी सी बात है, भूटान वाले लोग हैं तो क्या खेलेंगे? हाँ, तो तीरंदाजी, आर्चरी इनका जो है खेल है, तीरंदाजी है, तीरंदाजी। इनकी भाषा देख लो जरा, तो इनकी भाषा देख लीजिए, तो जोखड़, जोखड़ होगा या जो खगा लिखा होता है, हाँ ये भी लिखा होता है, जो खगा ये भी लिखा होता है, तो जोखड़ जोखगा जो भी याद है याद कर लेना, जोखड़ या जोखगा, तो ये इनकी क्या है? भाषा है। तो जोखड़ कह सकते हैं, जोखगा कह सकते हैं, ये इनकी क्या हो जाएगी? भाषा हो जाएगी, जोखड़ जोखगा जो भी आ जाए, ठीक। तो इनकी क्या है? भाषा है। चलो भैया धर्म देख लियो, धर्म कौन सा इनका? तो यही एक ऐसा राष्ट्र है जो हिमालयी बौद्ध धर्म को सहेजे है, यह भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा देश है जहां पर हिमालयी मतलब हिमालय क्षेत्र का बौद्ध धर्म जीवित है, तो ये कही है कौन? भूटान। तो लिख लेना इसमें जो है हिमालयी बौद्ध धर्म, ठीक। तो इनका धर्म कौन सा हो जाएगा? हिमालयी बौद्ध धर्म, ठीक। इसका उपनाम क्या है भूटान का? तो उपनाम भी पूछा जा सकता है, तो इसे बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, तो लिख लो जरा लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, तो इसका एक नाम मिलेगा क्या? लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट याद करिएगा। थंडर बोल्ट, तो लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं इसको, उपनाम हो गया इसका। फिर इसके बाद आधिकारिक नाम लिख लो, आधिकारिक नाम क्या लिखोगे? हाँ? आधिकारिक नाम, तो इसका नाम है किंगडम ऑफ भूटान, किंगडम ऑफ भूटान, क्योंकि यहां क्या है? राजशाही है, भारत के पड़ोसियों में एकमात्र ऐसा देश जहां पर राजशाही है, यह आपको याद रखना है, किंगडम ऑफ भूटान लिख लिया। बीपीएससी रिजल्ट आने पर बांटी मिठाई, कुछ ही घंटे बाद रद्द हो गया रिजल्ट, विद्या बोली एडवांस में सेलिब्रेशन, समझिए बड़ी समस्या आया नहीं हो जाता, मामला गड़बड़ा जाता है। अभी तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे शिक्षक लोग वो किए गए हैं क्या, हटा दिए गए हैं और उनसे वसूली की गई है, कुछ गलत तरीके से उन्होंने नौकरी पर ज्वाइन करी होगी, अब पकड़े गए तो वेतन भी दो जितना तुम्हें उठाया है और सजा अलग से, नौकरी गई अलग से, ठीक। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखियो। तो बात आ रही थी इसका जो है आधिकारिक नाम क्या है, किंगडम ऑफ भूटान, यानी कि यहाँ पे हमने कहा कि राजशाही है। अगला वही क्वेश्चन आ गया कि यहाँ का राजा कौन है, इतना लिख लिया सभी ने, ठीक। अब जरा लिखो राजा कौन है, तो राजा इनके हैं जिगमे,
खेसर, जिगमे खेसर नाम ग्याल बांग चुंग। जिगमे खेसर नाम ग्याल बांग चुंग लिख लियो। तो है तो है, क्या करना उसमें, तो क्या करना, तो राजा है जिगमे खेसर नाम ग्याल बांग चुंग। रानी का नाम उतना ही छोटा है, उनका नाम है जेटसन पेमा, प्रेमा नहीं नलायक, पेमा, जेटसन और पेमा, इतना ही नाम उनका। तो इनका नाम जितना बड़ा है इनका नाम उतना ही छोटा है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं। तो जिगमे खेसर नाम ग्याल बांग चुंग, और यहाँ पर बात करें तो जेटसन पेमा, तो राजा और रानी हो गई। संसद नहीं, उससे भी पहले वो लिख लो जरा, पीएम। तो यहाँ जो प्रधानमंत्री वो कौन है भाई, पीएम कौन है, तो यहाँ पे बता देना लोटाए शेयरिंग। तो यहाँ पर जो है लोटाए शेयरिंग है, तो पीएम यदि आपसे पूछा जाता है कौन है, तो पीएम बता देना क्या, लोटाए शेयरिंग। आसान है इनको याद करना, याद करना आसान है कि नहीं है, कैसे, अरे भूटान में तान है भाई, तान दोगे तो लोटा नहीं जाएगा वो भाई, भूटान में तान है, किसी को तान दो, जब तान दो तो क्या हो जाएगा, लोटा जाएगा। तो याद कर लो, भूटान में तान देंगे लोटा जाएंगे, समझ में आई बात कि नहीं आई, हाँ तो ऐसे याद कर लो इनको। अब लिखो जो है इनकी जो है संसद किस नाम से जानी जाती है, तो इनका जो संसद है उसको बोलते हैं त्सो गुडु, त्सो गुडु, हाँ त्सो गुडु, हाँ तो याद करना संसद त्सो गुडु। जब बिल्कुल उटपटांग टाइप का आए तो समझ लेना कौन है, नहीं तुम्हें समझ में आया तो बस उटपटांग देख लेना, जो बिल्कुल नाम तुम पढ़ ना पाओ, हाँ तो मैं पढ़ने में लगे कि ये दिक्कत हो रही, समझ लेना कि वो कौन है, उड़ान है भाई। जिगमे खेसर पढ़ने में तुम्हें दिक्कत होएगा ही, लोटाए शेयरिंग भी तुम्हें पढ़ने में दिक्कत है, उनकी मुद्रा देख लो नुगुलट्रम, वो पढ़ने में दिक्कत हो ही रही, हाँ त्सो गुडु भी पढ़ने में दिक्कत हो रही। तो बस समझ लेना जितने भी गड़बड़ टाइप के हैं हाँ सब उड़ान में चले जाएंगे, आसानी से याद हो जाएगा, आंसर तो लगा ही लोगे ठीक। तो ये इनकी संसद हो गई। अब इसके बाद से जैसे हमने कहा कि अभी हाल ही में हुआ है कि 2026 तक जो है एक रेल लिंक तैयार हो जाएगा, किससे, भारत और भूटान के बीच। अच्छा इसके पड़ोसी कौन है जरा झंडा भी देख लो, फिर पड़ोसी फिर आगे बात करते हैं। तो झंडा क्या है, झंडा आधार बताना है, आधार कैसा है, आयताकार है नलायक, जिसमें दो त्रिभुज बने हैं, त्रिभुजाकार नहीं है, आयताकार है जिसमें दो त्रिभुज बने हैं, है तो आयताकार लेकिन उसमें त्रिभुज बने हैं कितने, दो। तो आधार बताओगे आयताकार जिसमें दो त्रिभुज बने हैं, और रंग कैसा है, तो इसको आप बता सकते हैं कि दो आधार बने हैं, नारंगी पीला बना सकते हैं, पीला नारंगी बता सकते हैं ठीक। और उसके बाद से बात आएगी कि चित्र किसका है, ड्रैगन बना हुआ है सफेद वाला, चमकता हुआ चांदी कलर में, तो ड्रैगन बना है। क्वेश्चन यही हमने जैसे पहले भी कहा था, क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है किसके, चित्र के। तो जरूरी नहीं कि तुमसे वो पूछे कौन सा रंग है कौन सा नीला पीला, तुमसे यही पूछ देगा किस झंडे पर क्या बना है, तो इसके झंडे पर बना है क्या, ड्रैगन। कई बार ये भ्रम पैदा होता है कि ड्रैगन कहाँ होगा, चीन पे होगा, लेकिन ड्रैगन चीन पे नहीं है, ड्रैगन कहाँ पर है, भूटान में है, ये तुमको याद रखना है। तो संसद हो गया और क्या हो गई, झंडे की बात हो गई। पड़ोसी लिख लो, पड़ोसी लिखो तुरंत, तो पड़ोसी कौन कौन से हैं, तो इसके लिए हम बताया करते हैं सीधे क्या, पश्चिम सिक्किम असम और अरुणाचल। याद करने का तरीका देखो, सब में म का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सिक्किम पश्चिम असम म दिखा, और बाद में अरुणाचल, जोड़ दो बात खत्म हो जाएगा। तो जब भी पढ़ना हो तो इस तरह से पढ़ो कि सिक्किम है पश्चिम है
असम है अरुणाचल है, सिक्किम पश्चिम असम अरुणाचल, माँ के कॉम्बिनेशन वाले रख देना सब, तो सिक्किम पश्चिम असम और फिर बाद में अरुणाचल, बस आंसर आपको मिल जाएगा पड़ोसी वाला। ठीक, अब अगला, ये तो इनके पड़ोसियों तक हो गई, अगला वही लिख लो कि भारत और भूटान के बीच रेल लिंक। तो भारत और भूटान के बीच में रेल लिंक जो 2026 तक तैयार हो जाएगी, जयशंकर नबी ने, जयशंकर प्रसाद ने भी उसका क्या किया, उद्घाटन किया है। तो आपको लिखना है भूटान और भारत क्या रेल लिंक, रेल लिंक लिखा, क्या नाम होगा उसका, कोकराझार, कोकरा झार और गेलेपू या गोलपू दोनों बोल सकते हो, नाम आए तो हैं, कोकरा झार और गोलपू, तो कोकरा झार और क्या बोलोगे, गोलपू, हाँ रेल लिंक है, आसानी से बता सकते हैं। कोकरा झार कहाँ है, हेलो, हाँ अभी हम टाइम नहीं है, बाद में फोन करो क्लास में, तो कब बता रहे थे, तो कोकरा झार कहाँ है, तो ये असम में पड़ेगा, और गोलपू तो समझ में आएगा होगा, गोलपू गेलेपू जो भी आ जाए, तो ध्यान रखना गोलपू गेलेपू कहाँ पर, हाँ तो ये बता देना भूटान में, तो कोकरा झार असम में पड़ जाएगा, गोलपू कहाँ पहुँच जाएगा, हाँ भूटान में, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबको। ठीक, तो ये तो क्या है भारत और नेपाल के बीच में जो ट्रेन लिंक शुरू की गई है, 2026 तक इसके बनने की संभावना है कि 2026 तक ये बन के क्या हो जाएगा निर्माण, अभी संचालित नहीं है लेकिन इसका उद्घाटन कर दिया गया, 2026 तक बन के क्या हो जाएगा तैयार। भूटान की दो बातें और लिख लीजिए, विश्व का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश कौन, भूटान, तो विश्व का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश कौन है, भूटान है, और साथ में और जोड़ दोगे क्या, हाँ तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला भी कौन है, भूटान है। तो देखो विश्व का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश कौन, भूटान, तो विश्व का एकमात्र कार्बन निगेटिव देश है भूटान, और एक और लिख लो तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, तो तंबाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला देश भी तुमसे पूछा जाए तो आंसर क्या बताओगे, भूटान बता दोगे, इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया कौन सा, भूटान का मामला हो गया, भूटान भी खत्म हो चुका है, अब केवल दो ही छोटे छोटे बच्चे हैं 15-20 मिनट के हैं, वो कौन, एक श्रीलंका दूसरा कौन सा म्यांमार, बात खत्म हो जाएगी। अफगानिस्तान तीन है छोटे छोटे हैं, तो कल इस पर हम लोग, कल इनको हम लोग निपटा लेंगे और कल हम लोग मानवाधिकार की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए तो पढ़ते रहिए और याद भी करते रहिए साथ में।